टू बॉइज आड़ी मोरिया इलेवन आड़ी उरिया दोन्ही संघा दरम्यान दोन्ही संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। नक्कीच क्रिकेटमय वातावरण या ठिकाणी निर्माण झाले आणि जे प्रयत्न तुम्ही गेल्या काही दिवसांमध्ये केले त्याच्यावरती मोहर लावण्याची सुवर्ण संधी तुमच्यापर्यंत आलेली आहे। नक्कीच एक पाऊल तुम्ही दूर असाल मित्रांनो, हा सामना तुम्हाला 13,000 रुपये धनराशी देऊन जाईल आणि एका ट्रॉफीवरती निश्चितच नाव करण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त करून देईल। तर दोन्ही संघांना पुन्हा एकदा मनपूर्वक शुभेच्छा असतील। चांगला खेळ करा, जो विश्वास तुमच्यावरती दाखवलाय तुमच्या कर्णधाराने त्याला सार्थक करत विजेतेपदाच्या पायरीवरती विराजमान व्हा। नक्कीच कोणता संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणार, कोणता संघ या सामन्यावरती बाजी मारणार, येणारा काळ तुम्हाला नक्कीच सांगेल। आणि आमच्याबरोबर युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेले सर्व प्रेक्षक वर्ग आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे। आणि नक्कीच आपण पाहत आहे शिवसेना युवा सेना पुरस्कृत कैलासवासी सदाशिव जडार उर्फ गुरुजी यांच्या स्मरणार्थ भगवत चषक 2022 या पर्वामध्ये आपण सर्व जोडलो गेलो आणि मी सरदार शेख आपलं सहर्ष स्वागत करतोय। नाणेफेकीचा खऊल मैदान मध्ये झालाय आणि नाणेफेकी या ठिकाणी मोरिया इलेवन अडिवरिया संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला। पाहू प्रथम फलंदाजी की गोलंदाजी, थोड्याच वेळामध्ये आपल्यापर्यंत निर्णय सांगितला जाईल। 5-5 षटकांचा हा सामना असेल, दोन उपांत्य फेरीचे सामने आणि एक अंतिम सामना मैदान मध्ये खेळवला जाईल आणि नक्कीच सामने अटीतटीचे होतील। जर का सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हरचा थरार की या ठिकाणी कंपल्सरी चेस हा नियम असेल, हा कमिटीकडून आपण आदेश पाहूया। तर कंपल्सरी चेस असेल या सामन्या दरम्यान, या पूर्ण स्पर्धेमध्ये हा नियम लागू केला गेलाय। तुम्हाला समोरील संघाच्या एक धाव तुम्हाला जास्त बनवावी लागेल या सामन्यावरती विजय संपादन करण्यासाठी। नक्कीच सामन्याला मजा येणार आहे आणि जे संघ उपांत्य फेरीमध्ये दाखल झालेत त्यांचं देखील सरचे स्वागत आहे, त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा असतील या सामन्या दरम्यान। आणि नक्कीच एक पाऊल तुम्ही थोडस मागे आहात मित्रांनो, या सामन्याला जिंकल्यानंतर तुमच्या अकाउंट मध्ये सरळ 13,000 रुपये धनराशी जाईल आणि एका ट्रॉफी वरती निश्चितच तुमचं नाव कोरलं जाईल। आणि आपण केलेले मागील काही दिवसांमधील अथक प्रयत्न व्यर्थ जाणार नाही, परंतु तुम्हाला जास्त मेहनत या सामन्यामध्ये करावी लागेल यात काही शंका नाही। युट्यूबच्या माध्यमातून जे लाईव्ह प्रक्षेपण आपण पाहताय, आमचे मित्र फैज भाई यांच्या माध्यमातून हे दृश्य तुमच्यापर्यंत पोहोचवले जात आहेत आणि जे लाईव्ह अपडेट माझ्यापर्यंत पोहोचवले जात आहे आदरणीय आमचे मित्र अब्दुल्ला भाई आणि माझ्या जोडीने रत्नागिरीचा प्रवास इथपर्यंत करण्यामध्ये मोलाचा वाटा उचलणारे आमचे मित्र विशाल मोरे सर यांचं देखील व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत असेल। हिंदी भाषेमधून समालोचन करण्यासाठी मी ओळखला जातो, परंतु जसा मैदानामध्ये पहिला चेंडू टाकला जाईल मी माझ्या शैलीमध्ये समालोचन करण्यासाठी सज्ज होईन। ज्यांनी मला या ठिकाणी आमंत्रित केलं आमचे मित्र आराध्य हळदणकर यांचं देखील मी मनपूर्वक आभारी आहे। वेळोवेळी त्यांचं सहकार्य देखील या कम्युनिटी क्षेत्रामध्ये नक्कीच असतं आणि मंडळाचे पूर्ण कार्यकर्ते आपलं देखील मी मनपूर्वक आभारी आहे या स्पर्धेमध्ये मला समालोचन करण्याची संधी दिल्याबद्दल। सांगायचं झालं तर आज जबरदस्त एक माहोल बनणार आहे, कारण का जे चार संघ ज्यांनी उपांत्य फेरी गाठले हे रत्नागिरीतील नामवंत संघांना पराभूत करत या फेरीमध्ये दाखल झाले। त्याचा अर्थ असा आहे की आम्ही पण कोणाबरोबर भिडू शकतो, आम्ही पण मोठमोठ्या संघांना बाहेरचा रस्ता दाखवू शकतो आपल्या गोलंदाजीमधून फलंदाजीमधून आणि क्षेत्ररक्षणामधून, सर्व त्यांनी या मैदानामध्ये दाखवून दिलंय। या सामन्या दरम्यान पंचांच्या भूमिकेमध्ये आमच्याबरोबर जोडले जातील सन्माननीय याच परिसरातील नाजिम कासू आणि प्रथमेश मराठे हे एक नावाजलेले पंच आहेत याच परिसरातील आणि नक्कीच त्यांच्या करिअरसाठी देखील मनपूर्वक शुभेच्छा असतील। रत्नागिरीमध्ये होणाऱ्या मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये ते देखील पंचांच्या भूमिकेमध्ये जोडलेले आम्हाला पाहायला मिळतील। नक्कीच मित्रांनो क्रिकेटमध्ये कोणतंही कार्य करा हे मोलाचं असतं, कोणतंही कार्य छोटं अथवा मोठं असतं ते खूप सुंदररित्या पूर्ण करणं आणि मनापासून करणं हे एक क्रिकेटमधील एक अविभाज्य घटक आहे। युट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याबरोबर जोडले गेलेले सर्व आदरणीय प्रेक्षक वर्ग आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे। तर मोरिया इलेवन अडिवरे संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे, निर्णय आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवायचा आहे जेणेकरून समोरील डोंबिवली बॉईज हा संघ फलंदाजी करेल की गोलंदाजी करेल यावरती शिक्कामोर्तब होईल। नक्कीच लांजा परिसरामध्ये आदरणीय सन्माननीय राजनजी साळवी साहेब
यांच्या वाढदिवसानिमित्त देखील आजपासून बड़ी मोठी स्पर्धा आपण YouTube माध्यमातून पाहणार आहात। त्यामध्ये फर्स्ट प्राइज असेल 2 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक असेल 1 लाख रुपये आणि अशा भल्या मोठ्या स्पर्धे मधील ही एक स्पर्धा गणली जाईल। ज्या पद्धतीने रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी असू दे, रत्नागिरी चॅलेंजर ट्रॉफी असू दे, त्यामध्ये या स्पर्धेची देखील वर्णी लागणार आहे येणाऱ्या काही काळामध्ये। नक्कीच त्या स्पर्धेकरिता देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक शुभेच्छा असतील आणि नक्कीच खूप भली मोठी स्पर्धा आपल्या भेटीला येते। आता थोड्याच वेळामध्ये लांजा या परिसरात मध्ये काय होणार आपण पाहणारच आहोत, परंतु तत्पूर्वी आज या मैदानामध्ये काय होईल येणारा काळ तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवेल। मित्रांनो, हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी युट्यूब वरती देखील असेल, या स्टेडियम वरती देखील असेल आणि नक्कीच येणारे सर्व रसिक प्रेक्षक, खेळाडू आणि सर्व आदरणीय मान्यवर यांचं सहर्ष स्वागत असेल। पडार साहेब यांच्या माध्यमातून उपांत्य फेरीचा नाणेफेकीचा कौल झालाय। मोरिया 11 अडिवरे संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे, आपण कुठेही जाऊ नका। मित्रांनो, पाहत रहा हा जबरदस्त क्रिकेटचा थरार। नक्कीच थोड्याच वेळामध्ये उपांत्य फेरीचा सामना लगेच रंगणार आहे।
यंग इलेवन का स्क्वाड रहेगा। मोरिया इलेवन अड़वरी की बात की जाए तो मंदार दलवी, दुर्गेश नांदगांवकर, प्रज्वल हरदनकर, केदार पांचाल, नितिन पांचाल, गजानन पांचाल, अथर्व पड्यार, संदेश भोसले, अजित बावकर, सिद्धेश बोवड़, निखिल गोराटे। इस तरीके से प्लेइंग इलेवन की लिस्ट है दोनों भी टीमों की। और बीच मैदान में चलते टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का यहां पर फैसला लिया है। होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड में इस पिच का ज्यादातर अनुभव उनके पास जरूर रहेगा। स्ट्राइक पर रहेंगे इस समय बल्लेबाजी के लिए प्रणय मांडवकर और नॉस्टा गेंद पर रहेंगे उनके साथ में आशीष थारली। देख रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी होती है और दोनों भी टीम है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर खेल करने के लिए सज रह गए। तो पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, इसका मतलब साफ है तो 30 गेंदों पर आपको कहीं ना कहीं विस्फोटक पारी खेलनी होगी और वही उम्मीद में लेकर यहाँ पर है और आगाज हुआ है। फिर से एक बार तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए जोरदार तालियां इस सेमीफाइनल के लिए। दोस्तों मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है और लंबा रन अप लेकर गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय मंदार बीच मैदान में मेन अंपायर का रोल अदा करेंगे इस समय नाजिम भाई। तो मंदार की पहली गेंद पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है पॉइंट की दिशा में, एक रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर जरूर मिलेगा। देखिए गेंद को थोड़ा सा समझना चाहते हैं विकेट में किस तरीके से उछाल है और भी किस तरीके के पीछे पिछले मुकाबले में आपको बता ही रहा होगा, लेकिन फिर भी इस बड़े मुकाबले के दरमियान थोड़ा सा समय लेते हुए अब आपको खेल करना होगा। जब गेंद पुरानी होगी तब जाकर लंबे हिट लगाने में आपको ज्यादातर कामयाबी मिलेगी क्योंकि 10x की गेंद है और 10x गेंद देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा सफल गेंद मानी जाती है। पटकी भी गेंद थी पीछे आकर खेला था फील्डर वहां पर तैनात थे, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए। तो दूसरी गेंद पर डिक्लेयर क्षेत्र में खेलते हुए रन संख्या यहां पर बनी है 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। tenniscricket.in पर यह लाइव प्रक्षेपण दिखाया जा रहा है और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन दर्शकों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। फिर से एक बार मंदार गेंदबाजी मार्ग पर सबसे ज्यादा अनुभव होने वाला एक खिलाड़ी 10-15 कदमों का रन अप लेकर राइट आर बोर्ड विकेट से पटकी हुई गेंद आगे आकर खेला था और कहीं ना कहीं क्रीज आउट का मौका बन सकता था लेकिन यहां पर ये जीवन दान मिला है बल्लेबाज आशीष को। देख रहा होगा ये आशीष किस तरीके की यहां पर बल्लेबाजी करता है, डुम्बिली का आशिक इनको कहा जाता है आशीष को। देखना होगा आशीष के पास अब मौका है क्योंकि एक मौका आपको मिला है तो इस मौके का यहां पर फायदा उठाना होगा उनको इस बड़े मुकाबले के दरमियान। पटकी हुई गेंद इस बार खेला जहां पर पिछली गेंद पर खेलना चाहते थे, एक रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे नहीं, वहां पर फील्डर तैनात थे जिन्होंने शानदार फील्डिंग की, प्रज्वल थे और अच्छा थ्रो करते हुए एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों भी बल्लेबाजों को। रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर और रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी इन दोनों के बीच में तपती हुई धूप के अंदर है। यहां पर एक एक रन आपको हजारों के रन के बराबर लगेगी और यही मेहनत रंग लाएगी जब आप ग्रैंड फिनाले में पहुंचोगे। एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया है और यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मंदार नफितरी गेंदबाजी का नमूना पेश किया, कोई भी गेंद एक्स्ट्रा नहीं की है, 4 रन बने बिना विकेट के नुकसान पर। हमने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्यों लिया है ये अपनी गेंदबाजी में बताते हुए। तो राइट आर बोर्ड विकेट से इस ओर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर तैनात है, एक रन पूरा करेंगे दूसरे के लिए दौड़ेंगे, जी हाँ दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। और जरूर ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट होनी चाहिए जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो। और आशीष के बल्ले से 2 रनों का स्ट्रोक यहां पर नजर आता हुआ पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और जी हाँ यहां पर 6 रन के अवसर से जाओगे तो 30 रन तक ही सीमित रहोगे, निडर होकर बल्लेबाजी करनी होगी और जरूर तब जाकर आपको 45 के पार जाना होगा, तब एक चैलेंजिंग टोटल समझा जाएगा इस मुकाबले के दरमियान। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट टोटल रहेगा 85, 85 रन बने हैं, लो टोटल की अगर बात की जाए तो 31 रन बने हैं। ये कहानी इस प्रतियोगिता की है, आज रिकॉर्ड टूटने वाले हैं या नहीं ये आने वाला समय आपके सामने जरूर बताएगा। प्रज्वल आते हुए राइट आर बोर्ड विकेट से 8-10 कदमों का रनअप लेकर ऑलराउंडर खिलाड़ी है अड़बिरी के देखा जाए तो, और इस समय अपनी गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए काफी होनहार खिलाड़ी है, एक प्रमुख गेंदबाज और बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह बना ली है। इस समय लसित मलिंगा स्टाइल में गेंद को किया है फील्डर वहां पर तैनात है और कैच को छोड़ा है आसमान से गिरा खजूर बैट का
और जरूर दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। देखिए क्या छोड़ने का खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है। गेंद सेफ जा सकती थी, रन भी बच सकते थे, यहां पर दो रन भी चले गए और कहीं ना कहीं विकेट भी यहां पर अपोनेंट टीम का बचा है। जब जब बीच मैदान में किसी बल्लेबाज का कैच छूटा है तब तब उस बल्लेबाज ने कहर बरसा है, ये इतिहास रहा है मेरे दोस्तों। फिर से एक बार इस समय प्रज्वल की अगली गेंद पटकी भी गेंद सीधे बल्ले से खेला था, ऑन साइड की दिशा में खेला, जी हाँ गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। जैसे ये सर मौका मिला यहां पर छौका उन्होंने जड़ा, जैसे कि मैं बात कर ही रहा था और यहां पर बता दिया बल्लेबाज प्रणय ने कि मैं अब रुकने वाला मिस रहे। और फिर गेंद जोर से खेलना चाहते थे, विकेट कीपर को मिस करते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद एक रन के लिए और इस एक रन की बदौलत रन संख्या बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों 13 रन 13 रन नो लॉस। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है डोंबिवली बॉयज को और इस समय अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी भी रही है। इस समय प्रज्वल ने कोई मौका नहीं दिया था, जिस तरीके से मिस स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के बाहर गया था इरादे स्पष्ट किए थे, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से एक बार वही स्ट्रोक देखने को मिला, डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी एक रन के लिए। 14 रन नो लॉस, 14 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में बन चुकी है। और जिस तरीके से प्रणय बल्लेबाजी कर रहा है स्ट्राइकिंग इन पर, उनकी जर्सी का नंबर देख सकते हैं 45 नंबर अधिकतम रोहित शर्मा का है और जिन्होंने 3 बार द्विशतक जड़ने का एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और देखा जाए तो वनडे में 264 ये उनका हाईएस्ट टोटल है और इस समय आपकी हाईएस्ट टोटल बनानी है तो इस पारी में कुछ कर दिखाना होगा। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, जी हाँ वाइड का इशारा आ रहा है और बचने की कोशिश कर रहे हैं और जरूर छोड़ दिया, समझ चुके थे टिप्पा खाने के बाद गेंद पूरी तरीके से लाइन से अलग हो रही थी, समझ चुके थे यहां पर प्रणय और वाइड का इशारा आया, रन संख्या बनेगी 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार भी काफी जोर से खेलना चाहते थे, अतिरिक्त टर्न और बाउंस देखने को मिला और पूरी तरीके से जकड़ने में कामयाब रहे प्रणय द्वारा। और यहां पर देखा जाए तो हवा के जहां से हवा आ रही वहीं पर खेलना चाहते, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते और इस समय देखना होगा क्या रणनीति होती है प्रज्वल की। राइट आर बोर्ड विकेट से कदमों का इस्तेमाल था, पीछे आकर खेलना चाहते थे, जी हाँ यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बढ़ी है कुल मिलाकर 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन बने थे 6, दूसरे ओवर में रन बने 9, इस तरीके से रन संख्या बनी 15, औसत रहेगा 7.5 का। 7.5 जब भी आंकड़ा आता है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो 7.5 ही हाथ धोकर मेरे पीछे लगी है, ऐसे कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये 7.5 का आंकड़ा किसके लिए हाथ धोकर पीछे लगेगा ये आने वाला समय तय करेगा मेरे दोस्तों। इसलिए कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, देखिए जो बार बार जीतता है जब वो कोई ट्रॉफी जीतता है तो हेडलाइन बनती है, लेकिन कोई बार बार हारता है जब वो ट्रॉफी जीतता है तो इतिहास बनता है। इतिहास बनाने का सुनहरा अवसर आपके पास है और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार अपने आप को इस तपती धूप के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर दिखाना होगा और जरूर यही करने के लिए तमाम खिलाड़ी इस बीच मैदान में अपना प्रदर्शन करने के लिए सज रहेंगे। गजानन पंचाला है तीसरी ओवर लेकर, तीसरी ओवर की पहली गेंद और जी हाँ थी ओवर ने यहाँ पर सफलता दिलाई और विकेट मिलेगा, मंदार ने क्या चलपका और गजानन ने पहली सफलता दिलाई अपने टीम को। टीम को दिलाई है
और बाहर का रास्ता दिखाया आशीष को जो अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। ओ क्या समा बैठे और काफी क्लोज फील्डर तैनात थे मंदार, जिन्होंने काफी अच्छा कैच लपका, इस बार भी काफी जोर से खेला था। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात थे, एक रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते, जी हाँ बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल करेंगे। और देखिए एक को दो में, दो को तीन में कन्वर्ट आपको करना होगा। इस बार क्या हुआ है, गलती हुई और खेल कोई भी हो, क्रिकेट का फॉर्मेट असुदे, हैंडबॉल का फॉर्मेट असुदे, कबड्डी का फॉर्मेट असुदे, मित्र लोग खेल कोड़ता ही असुदे, चुकीला माफी नहीं। देखिए ऐसा लग रहा था रिलैक्स हो रहे थे खिलाड़ी, लेकिन गड़बड़ी की कवर करते हुए खिलाड़ी ने, और एक रन, ये एक रन सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा महंगा साबित होगा और जरूर आने वाले समय में इस एक रन की कीमत आपको जरूर पता चलेगी। और यही एक रन किसी टीम को प्रतियोगिता में बनाए रखेगा, यही एक रन किसी एक टीम को प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगा, और मैं कहूंगा आने वाले समय में इस एक रन की कीमत 13,000 रहेगी जरूर। इस बीच पटकी भी गेंद थी, हवा में खेला है, फिल्डर गेंद के नीचे आते हुए इस बार देखना होगा ऊपर नीचे कैच को छोड़ा है, पहले तो फील्डिंग में गड़बड़ी की, इस बार कैच लपकते हुए भी गड़बड़ी हुई है, यह महंगी कितनी साबित होगी गलती आने वाला समय तय करेगा दोस्तों। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, इस बीच 20 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, तो कहीं ना कहीं लंबे स्ट्रोक लगा रहे, एकमात्र छक्का प्रणय ने जड़ा है अपनी इस पारी में, देखना होगा इस बार किस तरीके से बल्लेबाजी पटकी हुई गेंद, इस बार भी हवा में खेला है, गेंद निकले क्षेत्र में जाएगी या नहीं देखना होगा, वहां पर फील्डर तैनात है और जी हाँ क्या चला बच्चे में दो विकेट जा चुके हैं, संजय थारली आए सबसे सीनियर खिलाड़ी, मिडल ऑर्डर में काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है और जरूर है यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए सज रहेंगे। इस समय जरूरत है मिडल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की, जब जब मुसीबत में उनकी टीम रही है तब तब इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को जरूर बाहर निकाला है और इस समय भी जरूरत है अपने टीम को बाहर निकालने की। रन संख्या बनी है दोस्तों 20 रन, दो विकेटों के नुकसान पर, पटकी भी गेंद थी, आगे आकर खेलना चाहते थे, जी हाँ अंदरूनी हिस्सा लगा, डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद एक रन के लिए, इक्के दुक्के से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बोरिया 11 ने अड़िबरी टीम को चौके छक्के लगते तो थोड़ी सी दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन प्रणय काफी सेट हो चुके हैं, उनको पता है इक्के दुक्के से फर्क नहीं, यहाँ पर चौके और छक्के लगाने होंगे, विशाल पारी खेलनी होगी। पटकी भी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, फील्डर वहां पर तैनात है, सर के ऊपर से गेंद जा सकती थी लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर की, फील्डर तैनात है दुर्गेश, जिन्होंने अच्छी फील्ड करते हुए अपनी टीम के लिए 3 रन सुरक्षित कर लिए है। और इस समय देखा जाए तो मेरे दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, और जरूर इस समय झकड़ कर रखा है। 22 रनों में एकमात्र चौका प्रणय ने जड़ा है, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, पहले ओवर मंदार ने की जिन्होंने 6 रन खर्च किए और दूसरा ओवर प्रज्वल ने किया थोड़े से महंगे साबित हुए 9 रन खर्च किए और तीसरा ओवर गजानन ने किया 7 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए, बहुत ही शानदार ओवर रहा और जरूर कुल मिलाकर देखा जाए तो औसत को नीचे लाने में थोड़े से अहम साबित हुए गजानन, 11 गेंदों पर 15 रनों की यहां पर पारी सजाते हुए प्रणय बीच मैदान में, ये पारी कितनी लंबी लेकर जाते हैं यह आने वाला समय तय करेगा। और प्रज्वल व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से 4th ओवर लेकर यहां पर आते हुए और जरूर ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ, इसमें जो जीतेगा सीधा ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना लेगा। रन संख्या अब तक बनी है 18 गेंदों पर 22 रन बने, 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, आने वाली 12 गेंदों पर कम से कम डोंबिवली बॉयज टीम को यहाँ पर जरूर 20-25 रन जोड़ने होंगे तब जाकर एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर खड़ा हो सकता है। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा, और इस मुसीबत से बाहर निकालने वाला कौन सा बल्लेबाज रहेगा ये आने वाला समय तय करेगा। संजय नॉन स्ट्राइक इन पर रहेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे प्रणय, अच्छी बल्लेबाजी करे, इस बार काफी जोर से खेलना चाहते थे, फिर से गेंद जरूर टकराई, लेग बाइज के रूप में जरूर ये रन बनेंगे और जी हाँ एक रन और जुड़ता हुआ 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। संजय एक बिग हिटर के रूप में उनको जाना जाता है, हिटमैन के रूप में उन्होंने अपनी जगह बना ली।
पजवल गेंदबाजी मार्ग पर और आशीष अगरकर जो कि मुंबई के लेदर क्रिकेटर है जो हमारे दोस्त है वो भी इसी स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं और यहां पर भी देखा जाए तो प्रज्वल वही स्टाइल में गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन से स्कोरबोर्ड बढ़ेगा दोस्तों इस समय 24 रन दो विकेटों के नुकसान पर। रन अब थोड़ा सा कम किया है लेकिन रफ्तार वही देखने को मिल रही है प्रज्वल द्वारा राइट आर बोर्ड विकेट से पटकी भी गेंद आ गया कर खेला है विकेट कीपर को बीट करते हुए निकले क्षेत्र में जाएगी गेंद एक रन के लिए तो 25 रन बनेंगे दो विकेटों के नुकसान पर। इस समय देखा जाए तो जो पिच बनाई गई है सभी जो जितने भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में सीमेंट है उसका मिश्रण करते हुए ये रफ और टफ विकेट बनाई है। अंबुजा सीमेंट हो एसीसी सीमेंट हो बिरला सीमेंट हो सभी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये सब मजबूती मिलकर यहाँ पर एक विकेट बने और ये विकेट इतनी टफ हो चुके हैं गेंद जैसे ही पिच पर गिरती है तो दुगनी रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में जाती है इसीलिए बल्लेबाज को खेलने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है यानी कि बल्ला आपका 0.5 की रफ्तार से चलना उस गेंद के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है और इस समय प्रज्वल ने वही स्पीच का इस्तेमाल करते हुए अपनी रफ्तार को दुगना करने का प्रयास किया है और आपको अगर एडवांटेज मिल रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए और अब तक गेंदबाजों ने काफी सक्षम तरीके से इस एडवांटेज का लाभ उठाया है। रन संख्या अभी भी रुकी है 25 रन दो विकेटों के नुकसान पर प्रज्वल आए हैं फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से चौथा और अब तक खड़े उतरे अपने गेंदबाजी में और सामने रहेंगे इस समय संजय। संजय को यहां पर जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करने होगी इस बार वाइड प्लस वन इस तरीके से दो रन जरूर जुड़े रहेंगे ये रन जो है डोंबिवली बॉयज के लिए फायदेमंद साबित होंगे। बचना चाहते हैं लेकिन आप जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं आपको ये गेंदबाजी को समझते हुए संजय अपनी बल्लेबाजी को निहारते हुए जितना समय उनको देंगे उतने ही खतरनाक वो बीच मैदान में साबित होंगे नो डाउट। फिर से एक बार प्रज्वल गेंदबाजी के लिए और सामने रहेंगे संजय। आपने देखे होंगे संजय लीला बंसाली के काफी हिट मूवीज है लेकिन ये संजय क्या हिट होंगे अपने टीम के लिए यह आने वाला समय तय करेगा। इस समय पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे अब सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी के इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट खेल में गेंदबाज का सटीक लाइन और लेंथ पर टप्पा बहुत ज्यादा जरूरी है और इस समय वही बरकरार करते हुए प्रज्वल अब आए दे रहा है लेकिन दुरुस्त है अपने लाइन और लेंथ पर मेंटेन करने के लिए। इस बार जोर से खेला है कबर डाल यहां पर जरूर देख लेंगे फिल्टर वहां पर तैनात है गेंद को पकड़ना चाहते थे एक रन पूरा किया दूसरे के लिए दौड़ेंगे दूसरा भी रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे क्या तीसरे के लिए दौड़ेंगे और थ्रो थोड़ा सा लेट आया तीसरा रन भी पूरा कर लिया। ये गलती आने वाले समय में महंगी साबित हो सकती है जरूर और तीन रन मुकम्मल कर लिए डोंबिवली बॉयज। जिस तरीके से मुंबई डोंबिवली में ट्रेन रफ्तार के साथ दौड़ती है वैसे ही बल्लेबाज दौड़ रहे हैं वो जानते हैं रफ्तार किस तरीके से होना चाहिए बूंद बूंद से समंदर बनता है और एक एक रन से बड़ा टारगेट आकार लेता है। पॉइंट यहां पर देखा जाए तो रन संख्या बनी है दोस्तों 30 रन दो विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है अच्छी बल्लेबाजी। इस बार भी काफी जोर से खेला है प्रणय वहां पर थे एक रन मुकम्मल करेंगे दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे और फिल्टर वहां पर तैनात मंदार दलवी अच्छा थ्रो जरूर किया एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन की बदौलत रन संख्या बनेगी 31 रन दो विकेटों के नुकसान पर। और जरूर यहां पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो बड़े सितारे होते हैं वो अलग कुछ नहीं करते वो चीजों को ही अलग करते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं वो अपने बल्लेबाजी का प्रेशर गेंदबाज पर डालने का हर बार प्रयास कर रहे हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी पर पटकी भी गेंद पे जोर से खेलने का प्रयास किया नीचे गई गेंद विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और डॉट गेंद के साथ चौथी ओवर का यहां पर खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बड़ी है चार ओवर के खेल की समाप्ति पर 31 रन दो विकेटों के नुकसान पर। आने वाली छह गेंदें हैं और छह गेंदों पर देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी यहां पर होती है और देखा जाए तो यूट्यूब पर हमारे साथ अब जुड़े हुए दर्शकों की तादाद है कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरे दोस्तों इस समय 85 लोग जो YouTube पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम दर्शकों का मैं सरदार सीखता है दिल से स्वागत करता हूं। भले ही आप घर बैठे इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं लेकिन आपकी भी हमें बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत है जितने ज्यादा व्यूवर रहेंगे उतना ही ज्यादा मजा हमें ऑर्गेनाइज करने में इंशाल्लाह आने वाले समय में जरूर होगा। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार रहूंगा आराध्य हरदनकर का जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया और इस बीच एकमात्र इस इनिंग में चौका देखने को मिला है प्रणय के बल्ले से यानी कि कहीं ना कहीं मोरिया 11 अड़ीवरी टीम ने सफलतापूर्वक गेंदबाजी कही है और इस छह गेंदों पर अब आक्रमण किया जाएगा बल्लेबाज द्वारा। प्रणय शानदार बल्लेबाजी कर रहा है इस समय उन्होंने 13 गेंदों को फेस करते हुए 16 रन बनाए और संजय तारले की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं
और इस जरूर इस समय संदेश भोसले इस समय आते हुए गेंदबाजी के लिए काफी ज्यादा अनुभव उनके पास है और अपना ये अनुभव इस स्लॉग ओवर में करने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं और जरूर वह 15-20 कदमों का रनअप लेकर अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और प्रणय अब जरूर इस ओवर में काफी लंबे स्ट्रोक लगाने का प्रयास करना चाहेंगे। देखना होगा कितने रन बनते हैं, कम से कम 10-12 रन तो जुड़ने ही चाहिए। और विकेट जी हाथों पे खेला है हवाई फायर, गेंद के नीचे आएंगे फील्डर, इस बार भी कैच को छोड़ा है और जाएगी गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन। कामयाब भुगतना पड़ेगा और अब तक प्रणय के 2 कैसे छोड़े गए हैं और ये कितने महंगे साबित हो गए। और इस चौके के बलबूते पर रन संख्या बढ़ी 35 और कुल मिलाकर प्रणय 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हैं। समय अच्छा होगा, जो कुछ भी करेंगे आपके पल्ले में जरूर जाएगा। पटकीली गेंद जोर से खेला फील्डर, इस बार भी और ये 14 कैच और जी हां और एक कैच छूटा है। देखिए बार बार इनको मौके मिल रहे हैं, एक रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है, 36 रन बनते जैसे एक रन की बदौलत। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो अच्छी लाइन लाइन पर गेंदबाजी की है लेकिन फील्डरों का साथ गेंदबाजों को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। संजय स्ट्राइक पर है और फिर गिनती जोर से खेलना चाहते थे, काफी ऑफ स्टंप के काफी बाहर गिनती, वाइड का इशारा आता हुआ बचने की कोशिश करते हुए और जरूर जी हाँ वही प्रयास गेंदबाज द्वारा, क्योंकि विकेटों से काफी दूर गेंदबाजी करनी होती है स्लॉग ओवर में और वही रणनीति आजमाई जा रही गेंदबाज द्वारा। संजय इनके बल्ले पर अगर गेंद आई तो निश्चित रूप से 4 या 6 रनों की बोहर जरूर लगेगी। फुटबॉल गलती जैसे कि मैंने बात की थी, हवाई फायर जाएगी गेंद बॉर्डर लाइन के पास में, कैच लपका है, व्हाट अ कैच, प्रज्वल अच्छा कैच लपकते हुए। तो इस बार सीधे बल्ले से खेला फील्डर वहां पर तैनात है और जी हाँ इस बार गलती नहीं होगी। देखा जाए तो मेरे दोस्तों प्रणय बैक टू द पवेलियन, दोनों ने अपनी पारी में रन जोड़े, 15 गेंदों पर 21 रनों की बहुत ही शानदार पारी रही और डगआउट के अंदर तालियों के साथ उनका स्वागत जरूर किया जाएगा, बहुत ही शानदार पारी रही प्रणय की। तो पहली इनिंग की 5वीं गेंद की अभी भी 2 गेंदे शेष है, लेकिन पहली इनिंग की मात्र 2 गेंदे शेष है और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज प्रथमेश। देख रहा होगा ये किस तरीके से इस 2 गेंद को फेस करते हैं, बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, इस 2 गेंद पर 6 या 7 रन भी बनते तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी और 40+ रन आपको किसी भी हाल में यहां पर बनाने होंगे। पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे, डिग्री क्षेत्र में जाएगी गेंद, 1 रन के लिए 38 रन बनेंगे इस 1 रन की बदौलत 4 विकेटों के नुकसान पर। तो पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर सज्ज होते हुए संदेश, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, अब तक 7 रन खर्च किए और 2 विकेट ली है, तो इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है। पहली गेंद पर प्रणय को आउट करने का मौका था लेकिन अवसर की दिशा में यहां पर कैच छोड़ा गया था और मंदार दलवी थे जिन्होंने वो कैच छोड़ा था और वो महंगा साबित हो सकता था लेकिन उस गलती को सुधारने में कुछ हद तक कामयाबी मिली। पटकी भी गेंद थी अफ्टम के काफी बाहर, जी हाँ वाइड का इशारा आएगा, 39 रन बनेंगे इससे 1 रन की बदौलत, अतिरिक्त गेंद परेशानियों का कारण बनी है रनों को चेस करते हुए। तो पटकती हुई गेंद थी लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर फील्डर तैनात थे विकेट कीपर जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है। संदेश अराउंड विकेट आखिरी गेंद कर गया और फिर गेंद थी जोर से खेलने का प्रयास था, रन लेना चाहते थे और जी हाँ यहाँ पर जो है रनआउट का विकेट मिलता हुआ आखिरी गेंद पर और पहली इनिंग की समाप्ति पर डोंबिवली
अच्छा करने के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे इस समय मंदार, और चूंकि काफी ज्यादा बाहर थी वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन से खाता खुला है बोरिया 11 अडिबरी टीम का। जो अभी अभी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, बोरिया 11 अडिबरी टीम ने टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। डोंबिवली बॉयज ने 39 रन जोड़े और अब 40 रनों का पीछा करते हुए बोरिया 11 अडिबरी की टीम का। इस समय पटकी भी गेंद थी कट गया है, जी हाँ डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद। काफी रचनात्मक स्ट्रोक को यहाँ पर खेला गया, जानबूझकर खेला गया और एक रन ही जुड़ेगा। इस एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो दो दिन बिना विकेट के नुकसान पर रहा। देखा जाए तो स्ट्राइक पर रहेंगे मंदार और नौ स्ट्राइक इन पर रहेंगे आएगा और एक रन जुड़ेगा, रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सचिन सज्ज होते हुए राइट आर बोर्ड विकेट से पटकी भी गिनती हल्के हाथों से खेला है। इस बार भी दिखले क्षेत्र में जाएगी गेंद, एक रन के लिए 40 रन है। इसका मतलब यह है कि 8 रन किसी भी हाल में आपको हर ओवर में बनाने होंगे। डुम्बिली बॉयज के भी काफी समर्थक है जो इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा और जितने भी दर्शक जो यूट्यूब पर जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा इस प्रतियोगिता के दरमियान। तो सचिन ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी 10-15 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए मंदार स्ट्राइकिंग इन पर, पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे, थोड़ा सा अपील जरूर किया गया लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं है। विकेटों के पीछे अगर देखा जाए तो संजय थे जिन्होंने अच्छी विकेट की पिंकी है। देखिए टर्न होती हुई गेंद नजर आ रही है, फिर से एक बार सचिन राइट आर बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करे, पटकी भी गेंद जोर से खेला कच्चा आट, फील्डर वहां पर तैनात नहीं, ये स्ट्रोक भी देखकर जाएगा दोस्तों एक रन। लेकिन वीरेंद्र सहवाग की यादें ताजा की यहां पर जरूर मंदार ने, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला था तब कई न कई देखकर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा था वीरेंद्र सहवाग ने। देखा जाए तो राहुल पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को लगाया था वो छक्का और उसकी यादें यहां पर ताजा होती है। हालांकि यहां पर रन सिंगल जरूर मिला लेकिन उसी स्टाइल में मंदार ने इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला था। जी हाँ प्रतिभा को तलाशते और जानते हैं, इसलिए कहा जाता है टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मिस्ट्रोक यहां पर देखने को मिला, फील्डर वहां पर आएंगे, जी हाँ बहुत ही अच्छा कैच और मंदार बैक टू द पवेलियन, ओ यू टी आउट। पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 रन बनाए थे, नो लॉस यानी कि नॉट आउट थे, लेकिन इस समय बड़ा झटका जरूर लगा है और नए बल्लेबाज आएंगे इस समय। केदार है स्ट्राइक पर जिनके कंधों पर दारमदार रहेगी क्योंकि पहली ओवर में विकेट यहां पर जा चुका है और प्रथमेश आए हैं गेंदबाजी के लिए राइट आर बोर्ड विकेट से। ऊंचे लंबे कट के खिलाड़ी है, इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा कवर रहा है, एक रन जरूर मिलेगा दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं। जी हाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और एक रन को दूसरे रन में कन्वर्ट किया, बहुत ही अच्छा तालमेल और यही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, जिसके पास मगर जैसी नजर है और हिरन जैसी रन है वही इस क्रिकेट फॉर्मेट में सफल है और इन दोनों ने वो साबित किया है कि जब जब मौका मिलेगा हम दौड़कर रन मुकम्मल करेंगे। रन संख्या बढ़ेगी 7 रन एक विकेट के नुकसान पर प्रथमेश गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार भी वही करना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल किया, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद आई, क्या गेंद है
जबरदस्त गेंदबाजी। देखिए कलाइयों की जादू बिखर रहे हैं इस गेंद के ऊपर, और जब जब गेंदबाज ने कलाइयों की जादू गेंद के ऊपर बिखरे हैं वो सबसे सफल गेंदबाज कहला है। और यहां पर ये प्रथम जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे बीच मैदान में। फिर से एक बार केदार स्ट्राइक पर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। गेंदे डॉट आना डोंबिवली बॉयज बीच मैदान में मजबूत स्थिति में आना, हर गेंद पर रन आना, जीत के करीब जाना, मोरिया 11 अडिवरी की टीम। तो गेंद और बल्ले के बीच में चलता हुआ एक महासंग्राम आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, और जरूर हर कोई टीम चाहती है शानदार तरीके से हम ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। इतनी आसानी के साथ आपको फाइनल में जाने वाला टिकट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत इस कड़ी धूप के अंदर करनी होगी, तब जाकर ये टिकट आपको मिलेगा। पर चली गई, ओह इस बार भी वही दशा देखने को मिल रही है। क्या क्या छोड़ा है या मैच छोड़ा है, आने वाला समय बताएगा। और जरूर विकेटों के पीछे देखा जाए तो संजय थे जिन्होंने यहां पर छोड़ा, अंदरूनी हिस्सा लगा था यहां तक साउंड आई थी और मौका था इस समय क्या चला पकड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं खुशनसीब रहेंगे केदार जिनको ये जीवनदार मिला है। प्रथमेश राइट आर्म ऑफ द विकेट से ईश्वर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद आगे आकर खेला था फील्डर के नाते थोड़े से दूर रहे और बड़ी आसानी के साथ यहां पर ये रन मुकम्मल करते हुए रन संख्या बनेगी दोस्तों 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो प्रज्वल काफी समय बाद अब स्ट्राइक पर आएंगे जो ओपनिंग के लिए आए थे मंदार के साथ में, देखना होगा। अब प्रज्वल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, एडवांटेज रहेगा, हवा का रुख उनको अनुकूल है, तो इस हवा का लाभ किस तरीके के साथ खेलते हैं। तो आपने फेमस वो गाना भी सुना होगा, हवा के साथ साथ घटा के संग संग साथ ही चल, ऐसे देखना होगा इस हवा के साथ साथ के गेंद को भी भेजेंगे उसके घर में यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आने वाला समय तय करेगा। तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और काफी अच्छा प्रदर्शन पूरी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का रहा है, और अब एक कदम दूर है, अगर यहां से वो इस मैच को निकालते हैं तो हीरो से सुपर हीरो बन सकते हैं, स्पाइडरमैन से सुपरमैन बन सकते हैं, और जरूर यही उम्मीद में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी तादाद भी बढ़ती हुई यूट्यूब के ऊपर दर्शकों की आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथमेश प्रज्वल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उम्मीद की किरण लेकर यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे, और जरूर है जी हां अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता, और जब जब मौके मिले हैं तब तब अपने आप को साबित करोगे तब एक टॉप लेवल के क्रिकेटर आप बन सकते हो। और 10 कदमों का रनअप लेकर प्रथमेश गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म विकेट से, और पिच गेंद हल्के हाथों से खेला था, रन लेना चाहते थे लेकिन बना वहां पर किया है। क्या गेंदबाजी रही है, क्या गेंदबाजी रही है प्रथमेश ने, फिर से एक बार डोंबिवली बॉयज को इस बीच मैदान में लाकर खड़ा किया है। पहली ओवर में रन बने थे 5-1 विकेट के नुकसान पर, दूसरी ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। क्या किफायती गेंदबाजी रही है, आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 32 रनों की जरूरत। 18 चुंबोनी मैदान चात मध्य 32 धावांची आवश्यकता, अटी तटीचा रंगलेला हा सामना आहे, आणि नक्कीच जे प्रेक्षक वर्ग घर बसले हा सामन्याचा आनंद घेत आहेत ते देखील खूप मजा घेत असतील, त्यांना माहिती आहे खूप मोठी स्पर्धा आहे। या स्पर्धेमध्ये विजेता संघाला दिले जातील 21,000 रुपये, उपविजेता संघाला दिले जातील 13,000 रुपये, म्हणजे या सामन्यामध्ये जो संघ विजय होईल त्याच्या अकाउंट मध्ये जीपे म्हणजे गुगल पे ने जातील 13,000। 18 चेंडू आणि 32 धावा हे समीकरण आहे, जो जीता वही सिकंदर, हार गया वो सीधा अपने घर के अंदर, जरूर हर कोई चाहेगा ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। प्रणय आए हैं गेंदबाजी के लिए जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी और जिसके बलबूते पर इतनी जबरदस्त तरीके से टारगेट यहां पर सेट किया था डोंबिवली बॉयज ने। आज इनका समय है और देखना होगा इस समय किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, इसलिए कहता हूं बार बार कहता हूं समय को समय पर समय दीजिए, वरना समय एक बार आपका समय लेना शुरू कर दिया तो बहुत कुछ लेकर जाएगा। तो 45 नंबर का एक खिलाड़ी प्रणय, 8 का समय इनका है और जी हाँ इस समय इस खिलाड़ी को दिया गया है गेंदबाजी करने के लिए, व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए प्रणय। रन संख्या बनी है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदे 32 रनों की जरूरत। और बाप रे बाप क्या गेंद है, यूट्यूब पर ऐसे मोमेंट देखने को मिलते हैं और डेड बॉल का इशारा दिया गया है। देखिए यहां पर ऐसी गलत भी गेंद की लेकिन डेड बॉल, यानी कि आपको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, तो इसको कहते हैं समय। और देखिए अच्छा समय वो नहीं होता जहां पर गेंद गिरती है वहां पर बल्ला घूमता है, अरे अच्छा समय तो वो होता है जहां पर बल्ला घूमेगा वहां पर गेंद गिरेगी, और देखना होगा इस समय क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक बात है, जो सपने आपने देखे हैं उसका पूरा करना है तो इस तपती हुई धूप के अंदर अपने आप को जरूर साबित करना होगा,
और जरूर ऐसे तपती हुई धूप के अंदर जब अपने टीम को जीत दिला दो तब जाकर एक टॉप लेवल के खिलाड़ी आप बन पाओगे। इस समय ऑफ की थोड़ी सी बाहर गेंद थी, जी हाँ इशारा लो का आता हुआ और एक रन यहाँ पर जुड़ेगा। इस एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 9 एक विकेट के नुकसान पर, फ्री हिट यहाँ पर मिलेगी। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्क पर और सामने रहिए बल्लेबाज इस समय केदार, फ्री हिट की गेंद का मुकाबला करने के लिए सज रहे और फिर गेंद जोर से खेलना चाहते थे लेकिन फ्री हिट की गेंद पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। एक ही रन यहां पर मिलेगा डिक्लेयर क्षेत्र में तो रन संख्या डबल अंकों में जाएगी 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट सिर्फ और सिर्फ रन आउट का विकेट लिया जाता है और चाहे आप यहां से कैच आउट हो तो आपको फिर से एक बार खेलने का मौका मिलता है। फ्री हिट यानी कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए बोनस गेंद होती है और उसका लाभ नहीं उठा पाए। विकेट से थोड़ी सी दूर गेंद की प्रणय ने बचे थे टॉपिक लगा डिक्ले क्षेत्र में गेंद जाती हुई राइट आर बोर्ड विकेट से गेंदबाजी कर गए। इस समय प्रणय पटकी हुई गेंद थी लक्ष्य को थोड़ी सी बाहर, जी हाँ वाइड का इशारा आता हुआ काफी लंबा ओवर साबित हो रहा है। इस वाइड की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 1/11 एक विकेट के नुकसान पर। और जरूर इससे पहले देखा जाए तो डुम्बिली बॉयज ने 3 ओवर में 22 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पर। तो फिर से एक बार इस समय पटकी हुई गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया गेंद और बल्लेबाज इतना अच्छा संपर्क नहीं है लेकिन डॉट गेंद आती हुई डॉट गेंद परेशानियों का कारण बनेगी बोरिया 11 अडियरे टीम को। अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने आप को साबित कर दिखाना होगा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और ये सपना आपको आने वाले समय में खुली आंखों में जरूर दिखेगा। तमाम दर्शक जो आपकी दुआ कर रहे हैं जीतने की, उस दुआ को पूरा करना है तो मेहनत आपको यहां पर करनी होगी और जरूर वही मेहनत दोनों भी टीमों की ओर से चलती हुई। पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे बॉडी से थोड़ा सा दूर किया वाइड का इशारा आएगा और जरूर अतिरिक्त गेंदे जरूर बने लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में नाकामयाब रहे हैं। इस समय देखा जाए तो और एक रन जुड़ेगा रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है, देखना होगा इस समय किस तरीके से खेल करते हैं और जरूर यहां पर जिस तरीके से खेल कर रहे हैं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाज को क्योंकि मिडल करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो रहे। प्रणय गेंदबाज मार्क पर यहां पर सज होते हुए और फिर गेंद जोर से खेला है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई थोड़ी सी कम है गेंद के नीचे फील्डर आएंगे, जी हाँ कोई गलती नहीं और बल्लेबाज केदार बैक टू द पवेलियन। दोनों भी टीमों की ओर से इसीलिए कहा जाता है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी और ये जीत देखना होगा किसके पल्ले में पड़ेगी दोस्तों। और जरूर दोनों भी टीमें संघर्ष करती हुई नजर आ रही और आहिस्ता आहिस्ता सभी हस्तियां मंच के ऊपर आ रहे उन सभी हस्तियों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। बीच मैदान में चलते हैं रन संख्या बढ़ी 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, काफी लंबा ओवर अब तक रहा है इस गेंदबाज का तो अभी भी 28 रनों की जरूरत है इस ओवर में ज्यादा रन बनाने होंगे। प्रणय 15-20 कदमों का रन अप लेकर गेंदबाजी करने के लिए सज होते हुए राइट आर बोर्ड विकेट से और थोड़ी सी रनअप में गड़बड़ी हुई है फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सज हो गए। अब देखा जाए तो प्रज्वल को कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा फिर फोर सिलो अब तक देखा जाए तो एक ही गेंद को फेस करने में कामयाब रहे हैं, जितने भी गेंदों को फेस कर गए उस पर कड़े प्रहार जरूर लगाने होंगे। इस बार भी गलती हुई है रनअप में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है फिर से एक बार डेड बॉल का इशारा आता हुआ
तो चलते हैं बीच मैदान में। तो तीन रन बने हैं, दो विकेट के नुकसान पर हिट की गेंद का मुकाबला कर गए इस समय। फ्रजबल और फ्री गेंद बहुत ही अच्छा शो खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है, क्या तलब का है, लेकिन फ्री हिट की गेंद होने की वजह से यहाँ पर आउट करार नहीं दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, जिस तरीके से सुरेश रैना खेलते कवर में वैसा ही स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला था प्रज्वल द्वारा, लेकिन इस समय जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। नक्कीच मित्रांनो, सांगितलं जातं मराठी मध्ये बैडा आहे, बायको गेली माहेरी काम करी पितांबरी, मंदार गेला बाहेरी दुर्गेशवरती आली जबाबदारी, ही जबाबदारी त्याला पूर्ण करावीच लागेल। अंतिम फेरीमध्ये तुम्हाला प्रवेश करायचा असेल तर मैदानाच्या आतमध्ये चांगला पराक्रम करावाच लागेल, म्हणूनच म्हटलं जातं प्रयत्नार्थी परमेश्वर, जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत यश तुमच्या हाताला लागणार नाही मित्रांनो। और इस समय जोर से खेलना चाहते थे, पटकी ली गेंद थी, प्रणय ने कम बैक किया है सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में, जितने ज्यादा रन इस ओवर में बनेंगे उतने ही महत्वपूर्ण साबित होंगे मौर्य 11 अड़बरी टीम को। रन संख्या अभी भी रुकी है, 14 रन दो विकेटों के नुकसान पर, 26 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। एक लंबा स्ट्रोक फिर से एक बार मौर्य 11 की टीम मैच में आएगी। तो प्रणय गेंदबाजी मार्ग पर सज होते हुए इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष होगी, और फिर गेंद जोर से खेला है, जी हाँ फील्डर वहां पर तैनात है, इस बार कोई गलती नहीं है और बल्लेबाज आएंगे बाहर, दुर्गेश बैक टू द पवेलियन। मेरे दोस्तों 26 रनों की जरूरत है, स्पेशल 26 रन बनाने हैं तो स्पेशल पारी यहां पर खेलनी होगी। मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला खूप मोठी खेळी करावी लागेल, चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल। नक्कीच या चौथ्या षटकामध्ये कमीत कमी तुम्हाला 10 ते 15 धावा कुठच्याही परिस्थितीमध्ये बनवाव्याच लागतील। नक्कीच येणारे चेंडू असतील 12 आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांची आवश्यकता असेल। डोंबिवली बॉयज संघाकडून अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली, आणि नक्कीच मित्रांनो पाहायला गेलं तर एक मोठं षटक हाताळलं प्रणयाने, परंतु फक्त आणि फक्त त्याने खूप कमी धावा खर्च केल्या, 6 धावा खर्च केल्या। सचिन पहिलं षटक त्यांनी टाकलं आणि नक्कीच त्याने 5 धावा खर्च केल्या, प्रथमेश यांनी देखील गोलंदाजी उत्कृष्ट केले आणि त्यांनी फक्त आणि फक्त 3 धावा खर्च केल्या। तिसरे षटक प्रणय याने तब्बल 10 चेंडू फेकले गेले आणि फक्त 6 धावा खर्च करत 2 मोहरे देखील गाळत केले। हे क्रिकेट आहे। अजितच्या बॅट मधून पाहूया चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळते का, कारण का तो देखील मातब्बर खेळाडू आहे, एक बाहुबली खेळाडू म्हणून देखील त्याला गणलं जातं। तर त्याच्या बॅट मधून जर का चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी झाली तर ज्या संकटामध्ये आहे मौर्य 11 हा संघ, नक्कीच या संकटातून तो बाहेर निघू शकतो। येणारे चेंडू असतील 12 आणि जिंकण्यासाठी मित्रांनो 26 धावांची आवश्यकता असेल। 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत है, प्रथमेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने दूसरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, उस गेंदबाज के खिलाफ अब रणनीति आजमानी होगी। पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे, क्या टर्न और बाउंस है, और जरूर पटकी भी गेंद थी, ऊंचे लंबे कट के खिलाड़ी है अजीत, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है अजीत मोहिते जो डिंग डोंग के ओपनर बल्लेबाज है, वैसी उनकी शैली है और वैसी बल्लेबाजी करने के लिए उनको जाना भी जाता है। इस समय आने वाली 11 गेंदें हैं, 26 रनों की जरूरत है, समय जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे खतरे के बादल तुम्हारे सर के ऊपर मंडराते जरूर जाएंगे। और बताना चाहूंगा 3:06:27 हो चुके हैं और इसमें चलता हुआ बुका, इस बार भी परफेक्ट,
क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, पहली गेंद को पटका, मुसीबत में डाला, दूसरी गेंद को शायद बल्लेबाज सज रहेंगे शॉर्ट पिच गेंद के लिए, लेकिन दूसरी गेंद की ब्लॉक होल में, यही रणनीति होती है एक अच्छे गेंदबाज की, पूरी तरीके से अजीत को रोके रखा है, दबाए रखा है, लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि 10 गेंद है, 26 रनों की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, और क्रिकेट अनिश्चित ने नटलेला खेला है, एक रन पूरा करेंगे और बड़ी आसानी के साथ एक रन जरूर मिलेगा, तो रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 15 रन, जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की जरूरत है, आने वाली गेंद रहेगी 9 और जीतने के लिए चाहिए यहां पर 25 रन चाहिए, आने वाली 3 गेंदों पर 2 लंबे स्ट्रोक किसी भी हाल में बल्लेबाज को लगाने होंगे, प्रज्वल आए हैं जो कि 3 रनों 1 रन बनाकर खेल रहे, 3 गेंदों को उन्होंने फेस किया है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर है और इस समय देखना होगा प्रथमेश किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, अब तक 3 गेंदों पर 1 रन खर्च किया है प्रथमेश ने, और पिच गेंद जोर से खेलना चाहते थे, इस बार भी डॉट गेंद, यू मिस आई हिट, क्या गेंदबाजी चल रही है, जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहा है, सिंगल फसली वाले जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन डबल फसली वाला कार्य बीच मैदान में करते हुए प्रथमेश, आपकी बॉडी किस तरीके की है ये मायने नहीं रखता, आप बीच मैदान में किस तरीके का खेल करते हुए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, फिर से एक बार प्रथमेश गेंदबाजी मार पर है और जो गेंद जोर से खेलना चाहते थे, जी हाँ एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया है, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं और दूसरे के लिए भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर दौड़े हैं और देखना चाहते हैं क्या रन को पूरा कर लिया या नहीं, और जरूर दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है, इस दोनों की बदौलत रन संख्या बढ़ गई दोस्तों 17 रन 3 विकेट, तो जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत है, इस ओवर की गेंद शेष है 1 यानी कि 7 गेंद है, जीतने के लिए 23 रन, इस गेंद पर अगर छक्का आता है तो मौका बन सकता है, मौके को बनाना चाहिए बड़े दोस्तों, और जरूर देखिए लाइफ में आपको मौके मिलते नहीं है, मौके को बनाना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है कि यहां से मौका हमें मिले, और इस समय मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, प्रथमेश की निर्णायक गेंद रहेगी सेकंड लगे, उनकी फुटबॉल गेंद जोर से खेलना चाहते थे, देखना होगा क्या निर्णय यहां पर आता है, और पूछ रहे और समाप्ति की घोषणा होती हुई, इसका मतलब ये 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और जरूर यहाँ पर रन बने हैं दोस्तों 17 रन 3 विकेट को नुकसान था, प्रथमेश ने देखा जाए तो किफायती गेंदबाजी, 2 ओवर उन्होंने किए सिर्फ और सिर्फ 6 रन खर्च किए, दूसरा ओवर भी 3 रन का किया और चौथा ओवर भी 3 रन का किया और फिर से एक बार लुम्बिनी बॉयज को मैच में लाकर खड़ा किया है, जीतने के लिए चाहिए अब आने वाली गेंद रहेगी बड़े दोस्तों 6 और 23 रनों की जरूरत रहेगी, पूरी उम्मीद की किरण इस समय अजीत के कंधों पर रहेगी, सहा चेंडू आणि मैदानाच्या आत मध्ये 23 धावांची आवश्यकता असेल, सोप टार्गेट कोणी पूर्ण करू शकतो परंतु कठीण टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी दमखम लागते आणि ती दमखम मैदानाच्या आतमध्ये अजित पूर्ण करतो का हे देखील पाहूया, त्याच्या बॅटमधून चौकार आणि षटकारांची आतील बाजी होऊ शकते कारण का मोठ्या खेळीसाठी या खेळाडूला ओळखलं जातं, 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 23 धावांची आवश्यकता आहे, और गेंदबाजी केली आतले इस समय अभिषेक राइट आर बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, पहले 3 गेंदें पूरी तरीके से इरादे स्पष्ट करेंगे इस मुकाबले की, राइट आर बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करेंगे और फिर गेंद थी धीमी गेंद की सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और यहां पर रन लेना चाहते थे, तू तू मैं और यहां पर देखना होगा रन को मुकम्मल कर लिया, जहां पर गेंद डॉट जा सकती थी वहां पर कहीं ना कहीं एक रन मुकम्मल कर लिया है, 18 रन बनेंगे, आने वाली गेंद रहेगी 5 और जीतने के लिए चाहिए दोस्तों 22 रनों की जरूरत, येणारे चेंडू असतील 5 आणि मैदानाच्या आतमध्ये 22 धावांची आवश्यकता असेल, अजूनही सामना संपलेला नाही आहे कारण का अजूनही विश्वास आहे प्रज्वलच्या फलंदाजीवरती कारण का तो मोठी खेळी करू शकतो, याआधी सामन्यांमध्ये देखील मोठी खेळी करण्यासाठी तो सज्ज झाला होता आणि त्याची खेळी त्याच्या बॅटमधून पाहायला देखील मिळाली, उरलेले चेंडू असतील मित्रांनो 5 आणि मैदानाच्या आतमध्ये 22 धावांची आवश्यकता असेल, नक्कीच मोठी फटकेबाजी करावी लागेल, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस समय अब आपके पास एक मोमेंट बना है, जिंदगी में कुछ पल आते हैं कुछ पल के लिए, उनमें से ये यादगार पल रहेंगे, आरामद विकेट गेंदबाजी करने के लिए अभिषेक सज्ज होते हुए, और पिच गेंद काफी जोर से खेला है, गेंद के नीचे 1 गेंद और 3 फील्डर, ये तो ना इंसाफी है, 1 रन को पूरा किया है और 1 ही रन पर संतुष्ट होंगे,
और इस एक रन की बदौलत जरूर दूसरा रन लेना चाहते थे। और जी हाँ, यहाँ पर और एक रन आउट का विकेट मिलता हुआ अजीत बैक टू द पवेलियन। चाहते थे देखना होगा क्या इशारा, तो पूरी तरीके से सफल हुए थे। इशारा आएगा डॉट गेंद का, तुरंत संख्या अभी भी रुकी हुई 19 रनों पर। यार के आने वाली गेंद रहेगी मेरे दोस्तों 3, और कहीं ना कहीं जीतने के लिए अभी भी 21 रनों की जरूरत है। डोंबिवली बॉयज की टीम कहीं ना कहीं इस मैच के ऊपर की अपनी पकड़ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाते हुए, अजून 21 धावांची आवश्यकता असेल उर्वरित 3 चेंडूंवरती। अशक्य प्राय नक्कीच आहे, परंतु मैदानामध्ये काही चमत्कार करावा लागेल फलंदाजाला। देखा जातो जोरचे खेळले का प्रयास किया था, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर से सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में जाती हुई डॉट गेंद आएगी, और खुशी की लहर यहां पर जरूर डोंबिवली बॉयज के खेमे में नजर आ रही है। 40 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य को डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। 2 गेंदों का खेल शेष है, औपचारिकता बची है मैच के दरमियान, और फिर से एक बार अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए सजोगे। धीमी गेंदी और टीम के बाहर बाहर का इशारा आएगा। 20 रन बने हैं और जरूर 2 गेंदे हैं और 20 रनों की जरूरत है, लेकिन मुश्किल जरूर है इस समय। और यहां से एक बड़ा करिश्मा ही मोरिया 11 टीम को जीत दिला सकता है। फिर से एक बार गेंदबाजी करिए अभिषेक, फुलटॉस गेंदी जोर से खेला है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त आए, और कहीं ना कहीं छक्का निकलता हुआ प्रज्वल के बल्ले से ऑन फायर। अजवल के खाते में भी 200 रुपए जाते हुए जो इनामों की धनराशि यहां पर रखी गई थी छक्का लगाने पर 200 रुपए, लेकिन फिर से यहां पर देर से शुरुआत की है तो 26 रन बने हैं। 14 रनों की अभी भी जरूरत है। आखिरी गेंद करिए अभिषेक, और देखना होगा अब किस तरीके से यहां पर जो है सामने प्रज्वल इस आखिरी गेंद को फेस करने में कामयाबी हासिल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दर्शक स्टेडियम की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, जो अभी अभी यहां पर दर्शक जुड़े उनको बताना चाहूंगा। मोरिया 11 ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। डोंबिवली बॉयज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन जोड़े और 40 रनों का पीछा करते हुए मोरिया 11 की टीम अब आखिरी गेंद पर काफी रनों की जरूरत है। इस बार सीधे बल्ले से खेला और इसी के साथ डोंबिवली बॉयज टीम ने ग्रैंड फिनाले में दस्तक दी है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड।
रंगेल। जेसीसी भालाबली आणि फ्रेंड्स के लिए दोनों संघाचे संघनायक अपने प्लेइंग 11 चे खेळाडू मैदानामध्ये घेऊन या। लगेचच यानंतर अंतिम सामना देखील होणार आहे। जेसीसी भालाबली आणि फ्रेंड्स के लिए या दोन्ही संघा दरम्यान होणारी दुसरी उपांत्य फेरीची लढत। याआधी मोरिया 11 आणि डोंबिवली बॉयज या दोन्ही संघा दरम्यान सामना रंगला होता, त्यामध्ये डोंबिवली बॉयज संघाने अंतिम फेरी मध्ये प्रवेश केलाय आणि नक्कीच आता यामध्ये जो जिंकेल तो त्यांच्या विरोधामध्ये अंतिम सामना मैदानामध्ये खेळेल। जेसीसी भालावली आणि फ्रेंड्स केडी या दोन्ही संघा दरम्यान या स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना लगेचच मैदानामध्ये रंगणार आहे। आमचे आदरणीय मान्यवर यांच्या शिवाय हस्ते नाणेफेकीचा कौल मैदानामध्ये केला जाईल आणि नक्कीच या स्पर्धेकरिता त्यांचं देखील तोलामोलाचं योगदान या स्पर्धेकरिता लागलेलं आहे। नक्कीच मैदानामध्ये आदरणीय मान्यवर शुभेच्छा देताना दिसत आहेत आपल्याला आणि नीटनेटक आयोजन आहे आणि दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना मैदानामध्ये लगेचच नाणेफेकीनंतर होणार आहे। जेसीसी भालावली आणि फ्रेंड्स केडीए दोन्ही तुल्यबळ संघ या स्पर्धेमधील आता एकमेकाच्या विरोधामध्ये एक गेम प्लॅन करताना दिसतील। नाणेफेकीचा खेळ या ठिकाणी केला जातो। दोन्ही संघाचे या ठिकाणी खेळाडू खूप उत्साहित आहेत। नाणेफेक या ठिकाणी झाले आणि नाणेफेक जिंकला गेलाय। फ्रेंड्स केडीएच्या बाजूने हा कौल लागताना दिसतो। पाहूया फलंदाजी की गोलंदाजी या ठिकाणी घेतली जाते। दोन्ही संघांमध्ये चांगले गोलंदाज आणि फलंदाज आहेत म्हणजे हा सामना अटीतटीचा होण्याची शक्यता आहे। पाच पाच षटकांचा हा सामना असेल। नक्कीच पाहूया फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत आहेत की गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत आहेत। जो निर्णय घेतील त्याच्यावरती तुम्हाला नक्कीच चांगली कामगिरी करावी लागेल। जेसीसी भालावली हा देखील या स्पर्धेतील मातब्बर संघ आहे। त्या संघामध्ये देखील मोठमोठे खेळाडू आहेत, चांगले गोलंदाज, चांगले फलंदाज, चांगले क्षेत्ररक्षक ने भरलेला तो देखील संघ आहे। म्हणजे या सामन्यामध्ये तुम्हाला एक रोमांच पाहायला निश्चितच मिळेल। डोंबिवली बॉयज या संघाच्या खात्यामध्ये 13,000 रुपये ही धनराशी निश्चितच सुरक्षित आहे। कमीत कमी 13,000 ही धनराशी तो संघ घेऊन जाऊ शकतो, परंतु यानंतर तो 21,000 साठी आणि विजेतेपदासाठी मैदानामध्ये खेळताना दिसेल। परंतु त्या संघाविरोधामध्ये यातील कोणता संघ असेल जो खेळेल हे थोड्याच वेळामध्ये तुम्हाला कळेल। मित्रांनो फ्रेंड्स केडीए संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि मैदानाच्या आतमध्ये गेम प्लॅन केला जातोय। गोलंदाजी घ्यावी की फलंदाजी के घ्यावी यावरती विचार विनिमय सर्व खेळाडूंद्वारा केला देखील जातोय। पाहूया काय निर्णय या ठिकाणी दिला जातोय आणि जेसीसी भालावली संघाला फलंदाजी मिळेल की गोलंदाजी मिळेल हे देखील पाहण्यासारखं असेल। खूप चांगली स्पर्धा आहे आणि आतापर्यंत सर्व क्रिकेटपटूंनी खूप चांगलं योगदान या स्पर्धेकरिता दिलंय। जे या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले स्पर्धेच्या बाहेर गेलेत तरी देखील आम्ही आपले आभारी आहोत, कारण का तुम्ही या स्पर्धेमध्ये येऊन खेळलात म्हणूनच ही स्पर्धा आज अंतिम दिवसापर्यंत येऊन ठेवले। पाचवा दिवस आहे आणि या पाचव्या दिवसामधील दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना यातील जो संघ विजयी होईल तो डोंबिवली बॉयजच्या विरोधामध्ये अंतिम सामना खेळण्यासाठी सज्ज होईल। फ्रेंड्स केडीए संघाचे संघनायक आपला निर्णय समालोचन कक्षामध्ये पाठवा। वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे, कारण का कमिटीकडून वारंवार आदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय। नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे आपण, तर लवकरात लवकर आपण निर्णय द्या जेणेकरून जेसीसी भालावली संघ फलंदाजी अथवा गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल।
व्यासपीठावरती जे मान्यवर आहेत त्यांचं देखील मनपूर्वक आभारी आहे। कलकत्त्याने देखील या स्पर्धेकरिता तोलामोलाचं योगदान दिलंय, त्यामुळे ही स्पर्धा आज या अंतिम दिवसामध्ये येऊन थांबलेली आहे। आणि सर्वप्रथम आराध्य हळदणकर माझे मित्र ज्यांनी मला या ठिकाणी समालोचन करण्यासाठी आमंत्रित केलं, त्यांचं देखील मी खूप खूप आभारी आहे। जेणेकरून ही मोठी स्पर्धा ही एक सन्मानाची स्पर्धा कव्हर करण्याची मला सुवर्ण संधी प्राप्त झाली। येणाऱ्या थोड्याच वेळामध्ये लांजा येथे देखील सन्माननीय राजनजी सावी साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक मोठी स्पर्धा आजपासून सुरू होणार आहे मित्रांनो, ती देखील युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह दाखवली जाईल। त्यामध्ये प्रथम पारितोषिक असेल 2 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक असेल 1 लाख रुपये आणि वैयक्तिक अनेक बक्षिसांची लयलूट देखील त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळणार आहे। नक्कीच रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक भलीमोठी स्पर्धेमध्ये त्या स्पर्धेची देखील गणना केली जाईल आणि निश्चितच त्या स्पर्धेसाठी या कमिटीच्या वतीने आणि माझ्याकडून देखील मनपूर्वक शुभेच्छा असतील। फ्रेंड्स केळी आमच्यापर्यंत तुमचा निर्णय कळवा। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय, आपला अतिरिक्त खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवा। लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जात आहे, प्रत्येक खेळाडूचं अपडेट या ठिकाणी करणं खूप गरजेचं आहे। तर आतापर्यंत जे सहकार्य तुम्ही केलंय त्या सहकार्याची उर्वरित सामन्यासाठी आम्हाला
जा। और गेंदबाजी के लिए जेसीसी वालावली की ओर से आते हुए अराउंड द विकेट प्रथमेश, पहली गेंद पटकी हुई गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रन भी यहाँ पर विनिंग टोटल समझा जा सकता है। और इस जीतता जागता नमूना आपने पहले सेमीफाइनल में जरूर देखा होगा जिस तरीके से डोंबिवली बॉयज टीम ने रन को जोड़े थे। और फिर से एक बार पहली ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, फुलटॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है, बड़ी आसानी के साथ यहां पर रन बनेंगे जी हां, और एक रन लेने में कामयाब रहे। और फ्रेंड्स के लिए टीम का यहां पर खाता खुलता हुआ इस एक रन के साथ, एक रन बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया फ्रेंड्स के लिए की ओर से हमजा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे और काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है। और इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है पिछले कई सालों में अपने बल्लेबाजी से। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर से लेदर क्रिकेट खेलकर आए हैं और अपने इस टीम को इस सेमीफाइनल के दरमियान अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सज है। और यहाँ पर अंदरूनी हिस्सा लगा, अंपायर के डिसीजन से पहले ही हम जाएंगे बाहर। प्रथमेश नफी तुरी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे, अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, 8-10 कदमों का रन प्ले कर रहा पिच एक बार रहा। पहली विकेट अग्नि गेंद फुलटॉस गेंद जोर से खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन यहां पर बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे और काफी समय बाद ये एक रन यहां पर मिलता हुआ नजर आया। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों कुल मिलाकर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर रहा। और जरूर काफी किफायती गेंदबाजी रही है प्रथमेश की इस समय, पहली गेंद डॉट निकली, दूसरी गेंद पर सिंगल बना, तीसरी गेंद पर हमजा का विकेट मिला, चौथी गेंद डॉट चली गई और पांचवी गेंद पर सिंगल। इस तरीके से अब तक 2 रन यहां पर खर्च किए हैं 1 विकेट चटकाते हुए। सफवान बारगिर स्ट्राइक के ऊपर रहेगा, पटकी हुई गेंद थी, नीचे रही गेंद, अतिरिक्त उछाल के लिए जाना चाहते थे लेकिन नीचे रही जिसकी वजह से दिक्कत हुई, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या बनी है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या एक अच्छे बल्लेबाज है, नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है। और जरूर मंदार मयेकर जो कि डगआउट में है, जो पुरानी गेंद को जबरदस्त तरीके से खेलते हैं, हाल ही में जो गोल्ड चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें 6 गेंद पर 6 छक्के जड़ने का उन्होंने कारनामा किया है, जो कि आदर्श के खिलाफ वो छक्के उन्होंने जड़े थे।
रंद विकेट गेंदबाजी के पटकी हुई गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया था, नीचे रही गेंद दिखने क्षेत्र में जाएगी एक रन के लिए और इस 22 के रूप में रन बनेगा, रन संख्या बनेगी 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, थोड़े से धीमी गति से चल रहे, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यहाँ पर जरूर लिया। अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको 40 के पार यहाँ पर जो है रन बनाने होंगे। तो गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार उदय राज सज होंगे, फिर से एक बार 10-15 कदमों का रन अप लेकर यहाँ पर सज रहेंगे। काफी ब्लॉकर में गेंद की थी, एक रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, कवर की दिशा में खेला और एक रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, 4 रन बनेंगे इससे एक रन की बदौलत। और जी हाँ, यहाँ पर जो रणनीति आजमाई जा रही गेंदबाज की ओर से वो रणनीति बीच मैदान में दिख भी रही है, जैसे फील्ड प्लेसमेंट है वैसे ही गेंदबाज यहाँ पर बना रहे। और सफवान बारगिर स्ट्राइक पर अधिकतम बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं, लेकिन इस बार उनको प्रमोट किया है, प्रमोशन किया है कि जाइए आप अपना नेचुरल बल्लेबाजी कीजिए। पटकी की गेंद थी, हवाई फायर किया है सफवान बारगिर के बल्ले से निकलता हुआ, अच्छा स्ट्रोक था लेकिन अच्छा कैच, सफवान बैक टू द पवेलियन। और आज आपकी बोली सुनने के लिए काफी समर्थक यहां पर सज्जा है। इस समय पटकी की गेंद जोर से खेलना चाहते थे, एक रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मिलेंगे, मंदार बाई कर जाएंगे स्ट्राइक के ऊपर, एक रन से रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हमजा और सफवान बारगिर दोनों बल्लेबाज कैच आउट होकर डकआउट में जा चुके हैं, देखा जाए तो लॉन्ग ऑन पर कैच दबा बैठे और अपना महत्वपूर्ण विकेट खोया, उससे पहले हम जा रहे विकेट कीपर के पास कैच थमाए बैठे और पहला विकेट उनके रूप में चटका था, लेकिन मंदार वायकर जिसकी मैं बात कर रहा था अपनी नेचुरल स्टाइल में बल्लेबाजी करने के लिए उनको जाना जाता है, इस बार काफी जोर से पटकना चाहते थे और डेड बॉल का इशारा आता हुआ इस समय हमारे अंपायर द्वारा, पिच के काफी बाहर गेंद थी जिसकी वजह से निर्णय दिया गया है डेड बॉल, यानी कि इस समय जरूर लाभ होगा जेसीसी बालावली को, क्योंकि वैलिड गेंद रहेगी तो 2 रनों का इजाफा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्रतियोगिता के कुछ रूल्स है उसके अनुसार इस गेंद को डेड बॉल यहां पर जो है किया गया है। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार उदय राज सज होते हुए, अब तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी इन्होंने भी की है और फिर गेंद जोर से खेलना चाहते थे, फखाने के बाद बाहर की तरफ गेंद आई सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में गिर जाते हुए, जितनी रफ्तार के साथ गेंद की थी उतनी रफ्तार के साथ बल्ला मंदार मयरकर का घूमता हुआ नजर आया। उदय राज की ओर से राज जो राज करते हुए गेंदबाजी में अक्रॉस यहां पर गेंदबाजी कर रहे, अराउंड विकेट है यानी कि इससे आउट होती हुई गेंद नजर आ रही, पटकी हुई गेंद जोर से खेला है लेकिन ये स्ट्रोक देकर जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही रन, कोटा पहाड़ निकला चूहा स्ट्रोक को मैं नाम दूंगा, लेकिन ये एक रन भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहेगा फ्रेंड्स के लिए टीम को। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 3 रन के औसत से रन यहां पर बनते हुए तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का ये जो फैसला है जेसीसी भालावली की टीम नाकामयाब करती हुई नजर आ रही है। आने वाली 18 गेंदे हैं, कम से कम आपको 35-40 रन बनाने होंगे। इस प्रतियोगिता का टॉप स्कोर है 85 रन और लोवेस्ट स्कोर है 31 रन, और आज के दिन पहले सेमीफाइनल में 39 रन मिले और उसको डिफेंड यहां पर किया गया है, यहां पर देखा जाए तो डोंबिवली बॉयज टीम ने, और डोंबिवली से और से भी काफी ज्यादा कॉल आए हमें और शुभकामनाएं दी है जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए, थैंक यू सो मच सर, उतने दूर रहने के बावजूद भी मोहब्बत आप इस टूर्नामेंट के लिए दे रहे हैं। प्रथमेश आए हैं गेंदबाजी के लिए व्यक्तिगत, दूसरा और टीम की ओर से 3रा ओवर लेकर चलते हैं मैच के दरमियान
अवश्य। पहला ओवर काफी शानदार रहा, दो रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। उदय राज ने भी शानदार ओवर किया और दोनों भी गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो दोनों भी गेंदबाजों ने तीसरी गेंद पर विकेट लिया है। हाँ जी हाँ, ये तीसरी गेंद यहां पर कुछ न कुछ जरूर नई कहानी लिखते हुए नजर आएगी। प्रथमेश इस बार काफी जोर से खेला है। जी हाँ, गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर। अब अच्छी लय में नजर आते हुए इस समय बल्लेबाज श्रुतिक और जरूर फुलटॉस के दिलो फुलटॉस के फील्डर वहां पर तैनाते बौका बन सकता था। लो फुलटॉस को छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी श्रुतिक अपना प्रयास जारी यहां पर रखते हुए रन संख्या अभी भी रुकी 12 रन दो विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और अब तक का सफर दोनों का बहुत ही शानदार रहा है। इस बार भी काफी जोर से गेंद को पटकना चाहते थे, इस बार भी डेड बॉल का इशारा दिया गया है, पिच के बाहर गेंद थी और लगातार तीसरी ओवर में पता चलता था कि इस गेंद का यहां पर यह प्रयोग किया जा रहा है। शॉर्ट पिच गेंद परेशानियों का कारण बने हैं क्योंकि सीमेंट के विकेट के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद को कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता और यही रणनीति डुम्बिली बॉयज की टीम ने पहले सेमीफाइनल के दरमियान आजमाई और उसमें वो सफल भी हुए। 40 रनों को डिफेंड किया उन्होंने, इस बार भी जोर से खेला था। एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ेंगे। हाँ जी हाँ, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही गेंद गई डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए। एक रन से रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, कुल मिलाकर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस समय श्रुतिक की अगर बात की जाए तो 8 गेंद पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए मंदार मयकर 2 गेंदों उन्होंने फेस की 1 रन बनाया है। देखना होगा आने वाले समय में मंदा का बल्ला किस तरीके से बोलता है, लेकिन श्रुतिक की अगर बात की जाए तो वो अच्छी लय में नजर आते हुए प्रथम इसकी सूर्य अग्नि के पट की भी गेंद जोर से खेला है। हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए एक गेंद और 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे और 2 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर पूरे होते हुए नजर आए। बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया। इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बढ़ी 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक उनको बताना चाहूंगा, फ्रेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और जेसीसी भालावली टीम ने क्या किफायती गेंदबाजी की है। एकमात्र छक्का श्रुतिक के बल्ले से जरूर लगा है लेकिन फिर भी कम रनों पर रोकने का प्रयास यहां पर जारी है। 15 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर प्रथमेश फुटबॉल गेंद जोर से खेला था, फील्डर वहां पर तैनाते मैं डायरेक्ट होता तो शायद ही यहाँ पर टच एंड गो का मोमेंट बन सकता था, लेकिन एक शतो और एक रन यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए पहले अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो इस तरीके के रन आप देते हो तो आने वाले समय में रनों को चेस करते हुए दिक्कतें तो आपको जरूर होगी और यही देखने को मिला। और मोरिया 11 ने भी ऐसे एक्स्ट्रा काफी रन दिए थे, एक्स्ट्रा रन भी दिए थे जिसकी वजह से डुम्बिली बॉयज टीम ने 39 रन जोड़े थे और 40 रनों का पीछा करते हुए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी और हार के सामने जाना पड़ा था। ये मुकाबला क्या यहाँ पर नजारे दिखाएगा ये आने वाला समय तय करेगा। पटकी की गेंद जोर से खेला है, मिस टाइम हुआ है, फील्डर वहां पर तैनात है। जी हाँ, गलती नहीं करेंगे, मंदार मयकर बैक टू द फैमिली अन्ना।
अपनी गेंद से गेंद निकले क्षेत्र में जाएगी, रन संख्या बढ़ेगी एक रन की बदौलत 17 रन, 17 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। नक्कीच मित्रांनो अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी दूरतेच्या माध्यमातून देखील आपण पाहू शकता, अतिरिक्त क्षण तिच्या गोलंदाजी मध्ये नक्कीच पाहायला मिळते। तर या लेग ब्रेक गोलंदाजी समोर पाहूया नीरज कशा प्रकारे फलंदाजी करतो, हे देखील पाहण्यासारखं असेल। उपांत्य फेरीची लढत आहे, मोठा सामना आहे, मोठी खेळी करणं खूप गरजेचं आहे। प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय तर तुम्हाला 45 ते 50 धावा कुठच्याही परिस्थितीमध्ये बनवाव्याच लागतील, परंतु हा स्पिनचा अटॅक फलंदाजीसाठी करवेन काल टलणार का हे देखील पाहण्यासारखं असणार आहे। परंतु मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाज आक्रमण पावित्र्य या ठिकाणी घेण्यासाठी सज्ज असतील, परंतु बॅट वरती चेंडू घेत असताना चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करणं खूप महत्वाचं असेल या पहिल्या इनिंग मध्ये। याही वेळेला अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी होते आणि पुन्हा एकदा पाहूया आपण त्यांचा काय निर्णय येतो, परंतु धावची दोन फलंदाज माघारी परततोय, अजून एक बोर आघारत केला जातोय या ठिकाणी फ्रेंड्स केली संघाचा फलंदाज धावची दोन माघारी परततोय। पार जाते तो मौका बन सकता है क्योंकि फ्रेंड्स के लिए के पास भी अच्छी गेंदबाज है सफवान बारगेर, एक प्रमुख अस्त्र उनका रहेगा लेकिन उनको कवर करने के लिए भी अच्छे गेंदबाज मौजूद है। लेकिन उसके पहले बल्लेबाजों को अपना रोल अदा करना होगा इस मुकाबले के दरमियान, सेमीफाइनल है। अनिकेत आए थे पटकी भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे, जी हाँ टॉपेज लगा, बल्लेबाज जाएंगे बाहर, शानदार गेंदबाजी। पहले काफी टीमों की लेकिन उन टीमों को प्रतियोगिता से बाहर करने में कामयाब रहे कुछ टीमें, और इस समय देखा जाए तो अमित ने पहली गेंद पर सफलता अपने टीम के लिए दिलाई, 70 रनों पर 5 विकेट यहां पर जाती हुई। इस बार भी पटकी भी गेंद जोर से खेला है, 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर गए और गलती हुई थी, कवर अच्छा मिला और दूसरा रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इसे 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 19 रन लॉस ऑफ 5 विकेट। जो टीम प्रबल दावेदार थी इस प्रतियोगिता की उस टीम को एक एक रन के लिए यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और यही क्रिकेट है, क्या लो टोटल वाला मुकाबला है लेकिन हाई वोल्टेज होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आने वाले चंद समय में आपको जरूर मिलेगा। अनिकेत 5वीं ओवर की 3री गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से पटकी भी गेंद थी, इस बार भी गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तार में, अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला था, कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर और 3री गेंद यहां पर डॉट चली जाती हुई। पहली गेंद पर विकेट, 2री गेंद पर 2 रन खर्च किया और 3री गेंद डॉट, ये कहानी इस ओवर के और पहली इनिंग की आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ नजर आ रहा है। अमित शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए, इस बार भी पटकी भी गेंद और फील्डर वहां पर कीपर थे, इस बार अच्छा कैच लपका और छठा विकेट गिरता हुआ फ्रेंड्स के लिए टीम का।
कर रहे तीन रन बनाकर बल्लेबाजी करे, 12 गेंदों पर श्रुति का और आने वाले दो गेंदों पर दो लंबे छक्के डलते तो एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर जो है खड़ा कर सकते हैं। तो अमित तप्ती हुई गेंद जोर से खेला है, इस बार भी क्या विकेट मिलेगा? नहीं, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए, एक रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर जाएगी डबल अंकों में। इससे पहले भी गेंद 20 रन बनते हुए तो आखिरी गेंद है पहली इनिंग की अमित की, और इस आखिरी गेंद पर देखेंगे श्रुति क्या लंबा छक्का या चौका जड़ते हैं। तो फिर भी एक फाइट करने वाला मोमेंट बनेगा क्योंकि गेंदबाजी लाइनअप उनके पास भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो श्रुति के कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। एकमात्र बल्लेबाज है जो वन मैन आर्मी की तरह इस समय देखा जाए तो बालामुल के गेंदबाज के सामने टिके हुए हैं। तो पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद इस बार जोर से खेला था, गेंद के नीचे विकेट के ऊपर आएंगे, गलती नहीं होगी और यहां पर श्रुति भी आएंगे बा
इसी खिलाड़ी ने रत्नागिरी के एक नाम के अंदर एक बहुत ही सम्मान वाला एक तुरा लगाया है, जो कि मुंबई के टीम से खेलते हुए पहले ही मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी इन्होंने जीता है। सागर कांबले नो डाउट ये भी शानदार गेंदबाज है, और ऐसे दो गेंदबाजों ने अपना परचम लहरा है रत्नागिरी के बाहर जाकर। अमोल भोसले, तिरुपति बालाजी सावलडा इस टीम की ओर से भी रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे, तो ऐसे रत्नागिरी में ये रत्न पैदा होते हुए नजर आ रहे, और हम चाहते हैं कि ऐसी प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाते हुए बड़ी बड़ी टीमों में अपनी जगह बना ले। और कमेंट क्षेत्र में भी काफी दूर दूर से मुझे भी कॉल आ रहा है, इसका पूरा श्रेय आप जैसे दर्शकों को जाता है जिन्होंने मुझे हर बार मौका दिया है। हाल ही में भी एक सांगली को मैंने एक बड़ी प्रतियोगिता कवर किया है, इस बार पहली गेंद थी पटकी हुई गेंद थी, और इस बार इशारा दिया है वन बाउंस का, पहली गेंद पटकी हुई थी और सीधा विकेट कीपर मंदार मयेकर के हाथों में गेंद जाकर रुकती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। देखना होगा स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे इस समय बल्लेबाज सिद्धेश, नौ स्ट्राइक इन पर रहेंगे उदयराज, हेलीकॉप्टर अटैक किया है एक रन बढ़िया सर के साथ पूरा करके दूसरे के लिए दौड़ना चाहते, थ्रो भी अच्छा आता था लेकिन एक ही रन पर यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा, अच्छा स्ट्रोक था। उदयराज स्ट्राइक पर रहेंगे जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, और सपवान बार गेंद राइट आर बोर्ड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए सज हो गए, और लेफ्ट एंड राइट एंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा गया है, और फ्रेंड्स के लिए टीम ने भी वही किया था, देखा जाए तो यहाँ पर हमजा और सफवान बारगिर को स्ट्राइक पर लाया गया था, और इस समय भी देखा जाए तो मेरे दोस्तों सिद्धेश और उदयराज को यहाँ पर भेजा गया है जेसीसी बालावली की ओर से, तो जैसे पैंतरे आजमाए गए वैसे पैंतरे यहाँ पर जो है बालावली की ओर से देखने को मिल रहे हैं। आराम विकेट गेंदबाजी करके और उदयराज स्ट्राइकिंग एंड पर, क्या रणनीति होगी, सिंगल सिंगल से मैच को जीता जा सकता है, और लेकिन क्या यहाँ पर जल्द से जल्द फिनिश करना चाहेंगे, हल्के हाथों से खेला है, जी हाँ एक रन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे, जोखिम नहीं उठाना चाहते वो जानते हैं, बड़ी बात है गेंदे ज्यादा है रन कम है, इसका मतलब यह है सिंगल को यहाँ पर जो कन्वर्ट करना होगा हर गेंद पर, तो इससे एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दो रन बिना विकेट के नुकसान पर। सिद्धेश ने यहाँ पर दूसरी गेंद पर रन चुराया, और उदयराज यहाँ पर जो है पहली गेंद को फेस करते हुए एक रन यहां पर जो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉकल में गेंद की परफेक्ट थी, गेंद देखने को मिली और सम्मान दिया, सीधी बल्ले से यहां पर खेला है, और इस समय देखा जाए तो अब यहां पर जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, कम टोटल है, पूरी तरीके से स्टेडियम के अंदर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, सुनामी से आने वाला पहले तो ये सन्नाटा नहीं है, ये आने वाला समय तय करेगा। पटकी भी गेंद दूर से खेला है, गेंद के नीचे आएंगे सफवान बारगिर, जी हाँ कॉल था, गलती की है, कॉल उनका था, दूसरे खिलाड़ी आ रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा नहीं मैं कैच को लपकना चाहता हूं, और इसी के प्रयास में कैच को छोड़ते हुए नजर आए, कितनी बड़ी महंगी साबित होगी ये गलती, आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिर भी टोटल कब है, तो यहां पर इस प्रकार के एफर्ट आपको प्रतियोगिता से निश्चित रूप से बाहर लेकर जाएंगे। क्या बन सकता था, उदयराज जैसे बल्लेबाज को पैवेलियन भेजने का सुनहरा अवसर उनके पास था, लेकिन नई गेंद होने की वजह से शायद उनके हाथ से गेंद यहां पर लपकती हुई नजर आई, लेकिन कोई भी रीजन यहां पर काम नहीं आएगा, अच्छा प्रयास ही आपको ग्रैंड फिनाल के दरवाजे खोलेगा। सिद्धेश स्ट्राइक पर रहेंगे, एक गेंद दो गेंदों का इन्होंने मुकाबला किया, एक रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए हल्के, ओ इस बार अच्छी गेंद थी परफेक्ट क्यार कर, और सिद्धेश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, मैं क्यों उस प्रतियोगिता
करना यहां पर पसंद किया है। फिर कितनी दूर से खेला हवाई फायर है जी हाँ, उदय राज ऑन फायर, गेंद जाएगी तारा मंडल बाउंड्री लाइन के बाहर। की मदद से रन संख्या बढ़ेगी 207 रन है, सिर्फ और सिर्फ 11 रनों की जरूरत है। और जेसीसी पालावली की टीम है यहाँ पर, हालांकि जेसीसी नाम जरूर है लेकिन एसीसी वाला काम कर रहा है। और देखना होगा इस समय अगली गेंद पर की भी गेंद जोर से खेलना चाहते थे, रडार में गेंद जरूर थी लेकिन अतिरिक्त टर्न और बाउंस देखने को मिली जिसकी वजह से मंदार माइकर विकेटों के पीछे सज्ज थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं डॉट गेंद आते हुए। देखिए बड़ी आसानी के साथ यहां पर जीता जा सकता है लेकिन एक क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक तरफा लगने वाले मुकाबले कभी कभी एक तरफा भी दिखे लेकिन इस बार शॉट पिच गेंद जी हाँ, गेंद जाएगी तारामंडल 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, रन बने सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बची मैच के दरमियान, 5 रन और यहां पर बनाने होंगे। और उदयराज जल्द से जल्द इस मैच को अपने स्टाइल में यहां पर फिनिश करना चाहते हैं। पर की गेंद थी और लेकिन ये स्ट्रोक भी जाएगा डिक्लेयर क्षेत्र में लेकिन अच्छा स्ट्रोक था। इस एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 70 रन, 4 रन दूर है और जेसीसी वालावली की टीम जीत के दहलीज पर है और एक हल्की सी यहाँ पर खुशी उनके चेहरे पर देख सकते हैं और जी हाँ होनी भी चाहिए। और फ्रेंड्स के लिए जिसे तगड़ी टीम को शिकस्त देने के लिए सज्ज हो रही है। इस समय भी जोर से खेला है उदय राज का बल्ला माशाल्लाह, लेकिन वहां पर कैच को छोड़ा है। मैं कहूंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है लेकिन एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया, 18 रन बने गए इस एक रन की बदौलत, सिर्फ और सिर्फ 3 रन दूर है। बॉडी लैंग्वेज बताता हुआ और निवृत्त यहां पर जो है स्ट्राइक पर है जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, सच में वही बल्लेबाजी यहां पर करनी होगी। लेकिन इस समय सिंगल सिंगल से भी बड़ी आसानी के साथ मैच को जीता जा सकता है। 18 रन बने, 21 रनों का पीछा कर रहे, दूसरा ओवर चल रहा है और फिर लॉन्ग ऑफ के ओर से गेंद को खेला है तारा मंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, सलग 4 दिवस चाललेली स्पर्धा आज या स्पर्धेची सांगता या ठिकाणी होणार आहे।
आनंदजी दावडे गणपतजी शेळेकर हे मैदान जायचं आहे। आता थोड्याच वेळात या ठिकाणी माननीय आमदार सन्माननीय राजनजी सावळी साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल सुरू होईल। सन्माननीय दीपकजी नागले यांच्या संकल्पनेतून शिवसेना युवासेना आयोजित कैलासवासी सदाशिव जयराज गुरुजी यांच्या स्मरणार्थ भगवा चषक ओरम क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी सुरू आहे आणि आज या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस। सर्व सन्माननीय व्यक्ति या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तालुका माननीय आमदार सन्माननीय राजेंद्र सावळे साहेब, तालुका प्रमुख प्रकाशजी कोळेकर, उपतालुका प्रमुख राजूजी कोळेकर या सर्वांचं या ठिकाणी शिवसेना कोळसर बुद्रुकच्या वतीने मी स्वागत करतो आणि थोड्याच वेळात या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल होईल आणि आजचा अंतिम सामना या ठिकाणी थोडाच सुरू होईल। मैं बताना चाहूंगा मैं पलटून पे रहता हूं और निश्चित रूप से काफी हम अब से लेकर अब तक जो हमारे दिल में सालवी साहब ने जगह बनाई वो जगह कोई भी नहीं ले सकता। और आज पलटोने का जो एरिया पानी के वजह से इतना कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ सालवी साहब इनकी वजह से है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सच में सर। चाहे आप कहीं पर भी रहो हमेशा मैं कमेंट्री में रहे और समाज के हर एक कार्य में जब मैं एंकरिंग के लिए जाता हूं तो सच में कसम खुदा कि मैं आपका नाम लिए बिना रहता नहीं, क्योंकि आपने जो कार्य किया है मुझे लगता है वो कार्य सबसे बड़ा कार्य है। और इंशाल्लाह आपका ये कार्य मैं जिंदा रहूं या ना रहूं लेकिन अपना कार्य सदैव ऊंचाई के बुलंदियों पर छूटा हुआ रहेगा, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा मसला था। आमदार श्री राजेंद्र सावळे साहेब शुभ हस्ते छत्रपति शिवाजी महाराज पुष्प अर्पण अर्पण करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी, जय जय शिवाजी, जय भवानी। आज हा अंतिम सामना।
शेवटी समप्रभ निर्विघ्नम गुरुमेदे सर्वरा नक्कीच खूप चांगलं सहकार्य केलं आणि या स्पर्धेमध्ये तब्बल 32 संघांनी सहभाग घेतला. 30 संघ स्पर्धे बाहेर झाले तरी देखील या ठिकाणी एक वेगळी इमेज निर्माण करून ते स्पर्धे बाहेर गेलेले आहेत. नक्कीच या यशामागे तुमचा तोलामोला सिंहाचा वाटा आहे सर. तुम्ही योगदान दिलंच म्हणून मी एवढी मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करतो. पुन्हा एकदा मी तुमच्या समोर सांगतो, आमचे मित्र आराध्य हळदणकर त्यांनी मला या ठिकाणी आमंत्रित केलं समालोचन करण्यासाठी, त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक आभारी आहे. म्हणूनच इतका मोठा मंच आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्ती बरोबर बसण्याची संधी मला प्राप्त झाले. थँक्यू सो मच. तो चलते बीच मैदान में दोस्तों, क्योंकि वह एक शेर तो अर्ज करना चाहूंगा. श्री प्रभाकर वारिक, प्रभाकर वारिक कुंभी समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष मुंबई. श्री प्रभाकर वारिक यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे असं मी त्यांना विनंती करतो. जरूर तमाम हस्ती या मंचियों पर जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा. और सारू साहब के लिए एक शेर तो बनता है मेरे नेचुरल स्टाइल में. परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं. अक्सर जमाने में चुप लोग वही रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं. और आपने अपने हुनर से हमारे दिलों में जो जगह बनाई है उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता सर. और आपने सामने वाला का जवाब आपके काम से दिया है, ताकि ना ही बोल बाल कर. और यही आपकी ये जो खूबी है हमारे दिल को भाती है, और इंशाल्लाह यही खूबी आखिरी दम तक आप निभाते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. चलते हैं मैच के दरमियान डुंबुली और भालाबली के बीच में मुकाबला चलता हुआ. डुंबुली टीम ने यहाँ पर टॉस जीता और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कितने रन बनाएंगे, 40 रनों को डिफेंड किया था उन्होंने बोरिया 11 अडिबरी के साथ सेमीफाइनल में. इस बार भी वही रणनीति यहां पर आजमाई जाएगी. और यहां पर प्रणय जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, 13 गेंदों पर 22 रनों की धुआंधार पारी रही थी, इस ग्रैंड फिनाले में क्या वही पारी देखने को मिलेगी यह आने वाला समय तय करेगा. और गेंदबाजी के लिए इस समय प्रथम ऐसा आते हुए जिन्होंने भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी की. दोनों भी टीमों में अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाजों का भरना है, इसका मतलब साफ है ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा. मैच जबरदस्त होगा, सभी लाइनमैन अपनी अपनी जगह पर तैनात है. बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और चमचमाती हुई ट्रॉफी से नवाजा जाएगा. अराउंड विकेट प्रथम गेंदबाजी के लिए यहां पर सज्ज होते हुए इस समय फटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला, कट किया था पॉइंट की दिशा में. और पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ डुंबुली टीम का. और निश्चित रूप से डगआउट भी काफी ज्यादा खुश रहेगा, मुंबई से ज्यादा कौन आ रहे उन्होंने भी काफी खुशी यहां पर दिखाई. और यूट्यूब पर आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार मोमेंट बना है. जिंदगी में कुछ पल आते हैं कुछ पल के लिए, उनमें से ये पल रहेंगे. और हर कोई चाहता है चैंपियन बने, ऐसे ही चैंपियन आप नहीं बनोगे, चैंपियन वाला कार्य करना होगा. इस बार भी अच्छी गेंद थी, पैर पर गेंद टकराई और निश्चित रूप से लेग बाइज के रूप में यहां पर डिक्लेयर क्षेत्र में जाई गेंद एक रन के लिए. इस एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर. मैच अच्छा होने वाला है, यहां से और 30-35 रन बना लेते हैं तो मैच तगड़ा होने की आशंका है. ये फाइनल मुकाबला भी मेरे दोस्तों जबरदस्त रहेगा. और इस फाइनल के दरमियान भी वही नियम लागू किया गया, यानी कि कंपलसरी चेस ये नियम लागू किया गया है. देखना होगा इस समय किस तरीके से खेल करते हैं. और पिछले गेंद थोड़ी से खेलना चाहते थे, अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा, डिक्लेयर क्षेत्र में जाए गेंद. देखिए रन कैसे भी आए आपकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होते हैं. और यहां पर अंदरूनी हिस्सा लगते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई, एक रन मिलेगा, रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर. नई गेंद है, पहले 12 गेंदों पर 14-15 रन बनाते तो पुरानी गेंद पर लंबे हिट लगाने के लिए आपको सफलता मिलेगी. और वही कोशिश यहां पर की जा रही है, देख रहा होगा किस तरीके से खेल करते हैं. की काफी ज्यादा बाहर थी, जी हाँ वाइड का इशारा आएगा, अतिरिक्त रन से रन संख्या बनेगी 204 रन. और इस समय थोड़ा सा बॉडी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं गेंद, ताकि बल्लेबाज को गेंद के नीचे आने का मौका ना मिले और लंबे स्ट्रोक यहां पर लगाने का मौका ना मिले. रणनीति अच्छी है लेकिन लाइन जो होती है उसके अंदर आपको गेंद करनी है, ताकि दिक्कतें यहां पर बल्लेबाज को जरूर हो. फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, जोर से खेला, जगह बनाई थी लेकिन ये भी स्ट्रोक एक रन देकर जाएगा. और इक्के दुक्के से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चौके छक्के लगेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. इस एक रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई 5 रन
बिना विकेट के नुकसान पर रहा। डोंबिवली बॉयज टीम जानते हैं पहले बल्लेबाजी करना है तो टेंशन नहीं होता रनों को चेस करना, और यहां पर वो रणनीति लेकर खेल रही तो 40-45 रन यहां पर कम से कम बनाने की कोशिश करेगी। प्रथमेश फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर आते हुए चार गेंदों पर अब तक उन्होंने 5 रन खर्च किए, पर की भी गेंद थी बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिला, फील्डर वहां पर तैनात थे जब तक की फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए, और इक्के दुक्के से भी टारगेट को आकार दिया जा सकता है, बूंद बूंद से समंदर बनता है और एक एक रन से भी लंबे टारगेट की ओर बढ़ा जा सकता है, और वही कोशिश डोंबिवली बॉयज की ओर से दोनों भी बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे दो रनों की बदौलत एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 6 रन, यानी कि पहली ओवर की आखिरी गेंद करेंगे प्रथमेश और सामने रहेंगे इस समय प्रणय। पटकी भी गेंद थी, जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन इतनी रफ्तार थी गेंद पर बल्ला घुमाने से पहले विकेट कीपर के दस्तारों में गिर जाती हुई, तो 6 रन बने पहली ओवर की समाप्ति पर। आने वाली 24 गेंदे हैं और 24 गेंदों पर देखना होगा कितने रन बना लेते हैं। 6 के औसत से जाएंगे तो 30 रन बनेंगे, यहां से औसत को बढ़ाना होगा कम से कम 8 रन के औसत से रन बनाने होंगे, क्योंकि सामने वाली टीम जो है जेसीसी भालावड़ी ये भी काफी स्ट्रांग है, बैटिंग इनके पास भी काफी जबरदस्त है, तो इनके सामने अगर टारगेट देना चाहते हो तो 40+ ये टारगेट आपको देना होगा, और यही रणनीति लेकर शायद यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया है। उदयराज आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, अधिकतम देखा जाए तो राइट हैंड से गेंदबाजी करते हैं और लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करने के लिए इनको जाना जाता है। देखेंगे इस समय अब व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए किस तरीके से करते हैं, अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामने रहेंगे बल्लेबाज आशीष थे। पटकी भी गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तारों में गेंद जाती हुई और यहां पर देखा जाए तो अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त टर्न और बाउंस देखने को मिला, पूरी तरीके से जकड़ कर रखा आशीष को, और जानते हैं ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है और पिच गेंद नहीं करेंगे, अधिकतम पिच का इस्तेमाल करना चाहेंगे, शॉर्ट पिच गेंदे परेशानियों का कारण बनी है बल्लेबाज को, और वही परेशानी को यहां पर देखते हुए हर गेंदबाज ने गेंद को पटकना यहां पर पसंद किया है। फिर से एक बार यहां पर वही कोशिश थी, बैकफुट पर आकर अच्छा कवर ड्राइव खेला है, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन यहां पर फील्डर काफी तेज थे और गेंद को लेकर यहां पर गेंदबाज के पास आते हुए, और वो जानते हैं थ्रो इधर उधर हो जाएगा तो एक रन और यहां पर जुड़ सकता है, इसलिए समझदारी दिखाई, गेंद को लिया और वापस आए, और इस एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां पर देखा जाए तो उदयराज सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए वो जानते हैं इस समय इस मुकाबले का महत्व, इससे पहले दोनों भी अकाउंट में यहां पर 3000 रुपए की धनराशि सुरक्षित है, लेकिन इस मुकाबले को जीतोगे तो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में 21000 जाएंगे, और इस समय यहां पर देखा जाए तो दोस्तों चौका देखने को मिला तीसरी गेंद पर, और कुल मिलाकर रन संख्या बढ़ी दोस्तों 11 रन, और प्रणय ने पिछले मैच में भी अपने बल्ले से काफी जबरदस्त कारनामा किया था, देख रहा होगा यहां पर किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। तमाम दर्शक जो हमारे साथ YouTube पर जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा। देखेंगे इस समय अब उदयराज किस तरीके से गेंदबाज कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया था, एक रन जरूर बनेगा, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते, जी हाँ दूसरे के लिए निकल पड़े, दूसरा रन पूरा कर लिया और बहुत ही अच्छा तालमेल 2+1, इस तरीके से 3 रन जुड़ेंगे स्कोरबोर्ड में, इस 3 रनों की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर। उदयराज की इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही है, और जरूर उदयराज अब तक अपने इस ओवर में 8 रन खर्च करते हुए नजर आ रहे, 14 रन बने हैं, और डोंबिवली बॉयज यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्पेशली प्रणय जिन्होंने 4 गेंदों का मुकाबला किया 8 रन बनाकर, बल्लेबाजी करते हुए आशीष जो कि 6 गेंदों का मुकाबला किया 4 रन बनाकर नौस्टा गेंद पर है। उदयराज सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग ने थोड़ी सी गड़बड़ी की जिसकी वजह से एक चौका निकला इस ओवर में, पटकी भी गेंद जोर से खेला, जी हाँ जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए, और इस एक रन की बदौलत रन संख्या बनेगी 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी बन रही है और काफी शांत से उनके समर्थक देख रहे हैं अपनी बल्लेबाजी, और पिछले मुकाबले में तादाद थोड़ी सी कम थी और इस बार एंजॉय कर रहे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन भी है काफी उत्साहित है, मुझे लगता है उनके टीम के स्पॉन्सर रहेंगे,
और जी हाँ खुशी की लहर है, पटकी भी गेंदती हवाई फायर किया है, फील्डर वहां पर तैनात है और इस बार कैच को लपकने में कामयाब प्रणय बैक टू द पवेलियन ओ यू। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है इस समय और ऑन द विकेट पे गेंदबाजी करने के लिए प्रथम सज्जोते हुए पटकी हुई गेंद थी, नीचे गई गेंद थी और वाइड प्लस वन इस तरीके से दो रन बनेंगे, रन संख्या बनेगी दोस्तों इस दो रनों की बदौलत 17 रन लॉस ऑफ वन विकेट। हालांकि प्रणय का जलवा यहां पर नहीं चल पाया लेकिन इस समय क्या अमर यहां से पारी को आगे लेकर जाएंगे या नहीं देखना होगा। और इस समय विकेट कीपर को यहां पर चेंज किया गया है और जी हाँ ये एक एक रन बहुत ज्यादा महंगे साबित होगा। जिस टीम ने फ्रेंड्स के लिए टीम को मात्र 20 रनों पर रोका था उस टीम के अगेंस्ट अब डोंबिवली की टीम आगाज करती हुई नजर आ रही है, इसलिए कहा जाता है क्यों अपने हाथों में नसीब को लेकर मुकद्दर को ढूंढता है, अरे सी कुछ समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों को ढूंढता है। यहां पर हर एक गेंदबाज के खिलाफ टकराना होगा, हर सवाल का जवाब बल्ले से देना होगा तब जाकर आप सफल हो पाओ। क्या गेंद थी, टिप्पा पंडे के बाद अंदर की तरफ आई और अतिरिक्त थोड़ी सी रफ्तार देखने को मिली क्योंकि ये विकेट जो है मैं बताना चाहूंगा सर सभी सीमेंट को मिक्स करते हुए रफ और टफ विकेट बनाई गई ताकि यहां पर ज्यादातर दिक्कतें बल्लेबाज को हो और वही अब तक सभी गेंदबाजों ने सफलता पाई है क्योंकि कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। लेकिन देखिए जैसे ही गेंद पिच पर रुक रहे दुगनी रफ्तार के साथ जा रहे, इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, वाइड का इशारा जरूर आया लेकिन जैसे ही गेंद रिलीज हो रही है अपने हाथों से और पिच पर गिर रही है दुगनी रफ्तार पाते 120 की रफ्तार से जाओगे तो 145 की रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाएगी, यही पहचान है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट यहां पर भी आप देख सकते हैं। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया था, खेला फिर की वे यानी कि अपनी उंगलियां पूरी तरीके से लहराई उस गेंद पर और पूरी तरीके से लाइन से बल्लेबाज के आगे यहां पर अपोनन किया है। रन संख्या अभी भी रुकी 18 रन, जो टीमों की चर्चा हो रही थी ये टीम ग्रैंड फिनाले जीतेगी वही टीम है सेमीफाइनल में और क्वार्टर फाइनल में प्रतियोगिता से बाहर गई, यही खेल है गिरगिट और क्रिकेट, कब कलर बदलेगा बोल नहीं सकते और यहां पर ये कलर जरूर आप आते हुए जरूर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बारिश से पहले इंद्रधनुष सात रंग आसमान के ऊपर बिखेरता है वैसे आने वाले समय में ये मुकाबला भी रंग बिखेरते हुए जरूर नजर आएगा। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 रन एक विकेट के नुकसान पर, हालांकि विकेट ज्यादा नहीं गई है लेकिन फिर भी नए जोश के साथ नए जज्बे के साथ यहां पर बल्लेबाज खेलने का प्रयास करेंगे। और प्रथम अब तक देखा जाए तो इस ओवर में 9 गेंद पर 9 रन खर्च किए, पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा, इस ओवर में अब तक 3 गेंदें उड़ी देखी है, चौथी गेंद करके पटकी भी गेंद थी जोर से खेला जगह बनाई थी, एक रन पूरा करेंगे दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं दूसरे के लिए दौड़ेंगे जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मुकम्मल कर लिया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसलिए कहता हूं जिसके पास मगर जैसी नजर है और हिरन जैसी रन है वही इस क्रिकेट फॉर्मेट में सफल है और वो दिखाते हुए आपका पेट कितना बढ़ गया है ये मायने नहीं रखता, आप बीच मैदान में किस तरीके से दौड़ते हो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए चर्बी 3 टाइप्स के होते हैं, एक जिस्म के में जो वेट बढ़ता है उसको चर्बी कहते हैं, दूसरी जब लैंग्वेज बदल जाती है तब कहते हैं इसको बहुत ज्यादा चर्बी आई है, तीसरी जब आप मटन शॉप में जाते हैं जब बोकड़ की चर्बी लेते हैं। और इस बार ऊंचाई हवा में गेंद थी अमित वहां पर थे ये गलती नहीं करेंगे और अच्छा कैच लपकते हुए
उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक संघांनी दिलाय. जे नामवंत संघ होते असं वाटलं होतं या दोन संघ अंतिम फेरीमध्ये पाहायला मिळतील, परंतु असं झालं नाही. या दोन्ही संघांनी हे पूर्णपणे आमचे जे नियम होते ते पूर्ण अपुरे केले, अस्पष्ट केले आणि दाखवून दिलं आम्ही देखील या अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करू शकतो. विश्वास असणं खूप महत्वाचं आहे आणि नक्कीच हा विश्वास दाखवत या अंतिम फेरीमध्ये दोन्ही संघ दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच अक्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि ज्या वेळेला तुम्ही अक्रॉस खेळता त्यावेळेला टायमिंग असणं खूप गरजेचं असतं आणि या वेळेला हा चेंडू निर्धाव जाताना दिसतोय. 3 षटका अखेरीस धावसंख्या मैदानामध्ये जोडली गेले 21-2 गड्यांच्या बोबदल्यामध्ये. सरासरी असेल मित्रांडू या ठिकाणी नक्कीच 7 धावांची सरासरी आहे. 7 पाहूया या ठिकाणी कशा प्रकारे मिळते फलंदाजीची अथवा गोलंदाजी. उर्वरित 12 चेंडू असतील आणि या 12 चेंडूंवरती तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा बनवाव्याच लागतील, तुम्हाला ऑप्शन नाही आहे. 12 गेंदे है, 12 गेंदों पर कम से कम 20 रन यहाँ पर जोड़ रहे हो गए. और जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था निवृत्ति यहाँ पर आए है, लेग स्पिन का किंग, फ्रीकी का जादूगर, क्या कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में जिसकी वजह से उन्होंने रोक ले भाई. लेग ब्रेक करने के लिए इनको जाना जाता है. पटकीली गेंद थी, इस बार शॉर्ट पिच जरूर गेंद थी, इतना आसान नहीं होता. आपको देखिए धीमे गति के गेंदबाज जब बीच मैदान में आते हैं आपको टाइमिंग और ताकत दोनों का मिलाप होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर से एक बार निवृत्ति गेंदबाजी यहां पर करेंगे. इस बार भी आगे गेंद की थी, इनसाइड एज लगी, वहां पर विकेट कीपर कैच लेना चाहते थे लेकिन गेंद जाएगी डिक्ले क्षेत्र में 1 रन के लिए. और दूसरी गेंद पर 1 रन लेने में कामयाब रहे. रन संख्या बढ़ी 22 रन, 2 विकेट को नुकसान पड़ रहा है. देखा जाए तो 4 यहां पर 2 आंकड़े देखते हुए 22 रन, 2 विकेट को नुकसान पड़ रहा. और चौथे ओवर की अब तक देखा जाए तो 2 गेंदें होती हुई, ऐसा स्कोरबोर्ड आपके मोबाइल के ऊपर दिखता हुआ. पटकीली गेंद थी, जोर से खेला है लेकिन नहीं, यहां पर 1 ही रन मिलेगा. मेहनत आपने बहुत ज्यादा की लेकिन 1 ही रन स्ट्रोक के ऊपर दिया जाएगा. फील्ड का प्लेसमेंट जिस तरीके से रखा गया है आपको सीधा ही खेलना होगा, वी शेप में रन बनाने होंगे ज्यादा रन अगर चाहिए तो. और जरूर जो देखिए ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, रन ज्यादा कमाने हैं तो यहां पर आपको वी नेक में खेलना होगा. लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के दरमियान स्ट्रोक आपको लगाने होंगे तब जाकर चौके और छक्के की आपकी बारिश हो सकती है. और इस समय निवृत्ति जिस तरीके से लेग ब्रेक गेंद कर रहे हैं इस गेंद पर आपको सीधा खेलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा लेकिन फिर भी आपको प्रयास तो करना ही होगा. प्रयत्नार्थ परमेश्वर, जो पर्यंत तुम्ही मैदान मध्ये प्रयत्न करत नाही तो पर्यंत यश तुम्हाला काही मिळणार नाही. या ठिकाणी पाहायला गेलं तर या पूर्ण स्पर्धेमध्ये गोलंदाजाने वर्चस्व गाजवलंय. या स्पर्धेमधील पाहिलं तर एकमात्र संघ असा होता ज्याने 85 धावा कोडल्या. या स्पर्धेतील उच्चांक धाव संख्या निच्चांक धाव संख्या ती म्हणजे 31. या वेळेला सोवर गतीने टाकलेला चेंडू त्रिफळ अचित केला जातोय. शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, तोरा जरा जपून जाणला उडा. बल्लेबाज बॅक टू द पॅवेलियन. दे रहे कि आई है मुझे छक्का लगाई लेकिन अब तक सभी बल्लेबाज यहां पर नाकामयाब साबित होते हुए नजर आए. संजय आए हैं, इस समय काफी तर्न देखने को मिला है. वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड की मदद से रन संख्या बढ़ेगी, 24 रन बने हैं. ये फाइनल का मुकाबला है, दोनों भी अकाउंट में 13,000 रुपए जा चुके हैं. 21,000 और चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए ये मुकाबला यहां पर चलता हुआ. इस बार भी मुसीबतें बड़ी, विकेट कीपर भी यहां पर देखा जाए तो यशराज अच्छा कार्य करते हुए इतनी क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा बांध कर रखा है बल्लेबाज को. और निवृत्ति की अगर बात की जाए तो क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, हर एक बल्लेबाज को पढ़ने में कामयाब रहे हैं. नहीं, मेरे जादू को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. और 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बढ़ी है दोस्तों 24 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर रहे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक विकेट भी अपने नाम किया है. ये कहानी है निवृत्ति की, कमाल की गेंदबाजी. अमित को यहां पर लाया गया है, यहां से और 9-10 रन बनाने होंगे किसी भी हाल में अगर अपनी चुनौती जिंदा रखना है तो. कम से कम 35 तक आपको जाना ही होगा. 24 रन बने, 3 विकेटों के नुकसान पर. तो आखिरी ओवर, पहली इनिंग की आखिरी ओवर लेकर आते हुए इस समय अमित, जिन्होंने काफी प्रभावित किया था पिछले मुकाबले में, आखिरी ओवर लेकर आए थे और काफी बाउंस से प्रभावित किया था, बल्लेबाज को मुसीबत में डाला था. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे
अमर क्योंकि चार गेंदों पर एक रन बनाकर बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे उच्च लंबे कद के खिलाड़ी है। हवा का रुख उन्हीं को अनुकूल है, इस समय इस हवा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चौके और छक्के जड़े हो गए। पर्ची गेंद इस बार भी क्रॉस खेलना चाहते थे, गलती हो रही, सीधे बल्ले से रन बन रहे। टेढ़ा करना यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगा, सीधी उंगली से जब गिर निकल रही तो टेढ़ा करना बहुत ज्यादा घातक होता है और इस समय वही गलती बार बार बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं। टेढ़ा खेलना चाहते पहले ही मन बना रहे मैं इसको अक्रॉस खेलूंगा, जिसकी वजह से गेंद को मिडल करने में थोड़ी सी नाकामी मिल रही है। तो 25 रन बने लेगबाज के रूप में बनते हुए और इस समय संजय आएंगे स्ट्राइकिंग इन पर, एक अच्छे खिलाड़ी है जिनके पास क्षमता है लंबे स्ट्रोक लगाने की और इस समय जरूरत है डोंबिवली टीम को, एक लंबे स्ट्रोक संजय के बल्ले से देखने को मिले। पटकी भी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए डायरेक्ट हिट करना चाहते थे और जी हाँ थ्रो किया और अमर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई रन आउट का विकेट मिलता हुआ। अमित की गेंद का मुकाबला करने के लिए और जरूर यहां पर अमित ने काफी ज्यादा प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, राइट आर बोर्ड विकेट से जोर की अगली गेंद करेंगे। पटकी भी गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए, एक रन की बदौलत रन संख्या बनेगी स्पेशल 26, 26 रन बने हैं। डोंबिवली संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमता फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि आतापर्यंत फक्त आणि फक्त चार गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 26 धावा बनवण्यामध्ये यशस्वी देखील झाले। पाहूया कशा प्रकारे उडवली चेंडूंवरती धावा जमवण्यामध्ये यशस्वी होतो। प्रथमेश असेल स्ट्रायकिंग इनला, हा देखील चांगला खेळाडू आहे, यावेळेला खूप चांगली गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर एक बाउंस आपल्याला पाहायला मिळतो, परंतु यष्टी रक्षक यशराजच्या माध्यमातून चांगलं यष्टी रक्षण। निर्धाव चेंडू जातो शेवटच्या चटक प्रगतीपथावर असताना तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवरती धावी घ्यावीच लागेल, अन्यथा तुम्हाला कमी धावांवरती रोखण्यामध्ये यशस्वी देखील होतील बालावली संघाचे गोलंदाज। या वेळेला हलक्या हाताने खेळून काढलेला चेंडू होता, धावची तोडण्याची संधी असेल आणि पाहूया फलंदाज बाद, अजून एक बोहरा धावचीतून माघारी परततोय, चांगलं है 26 रनों पर पांचवा विकेट यहां पर चलता हुआ अमित फाइटर बोर्ड विकेट से इसूर की अगली गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए। पटकी भी गेंद थी, इस बार भी मुसीबतें जरूर देखने को मिली है और इस समय और एक विकेट मिलता हुआ नजर आया और इसी के साथ पांच ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और रन संख्या
शिवसेना युवा सेना कोणसर बुद्रुक आयोजित भगवा स्पर्धेसाठी या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून सन्माननीय राजनजी साळी साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। जनार गुरुजी यांचं क्रिकेटवर फार प्रेम होतं आणि कोळसर बुद्रुक शिवसेना संघटना वाढण्यासाठी त्यांचं योगदानही मोठं होतं। त्यांचं अचानक जाणं हे आमच्यासाठी खूप दुःखाची गोष्ट आहे। गुरुजींच्या जाण्याने कोळसर बुद्रुक शिवसेना संघटनेमध्ये जी पोकळी निर्माण झालेली आहे ती भरून काढणे अशक्य आहे। गुरुजींचे विचार मॅच सुरू करायची आहे। गुरुजींच्या विचारांना त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी कोळसर बुद्रुक शिवसेना संघटनेच्या वतीने ही स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेली होती। आता या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे लाडके आमदार सन्माननीय राजेश साळी साहेब यांचं सन्माननीय दीपकजी नागले माजी शिक्षण आणि अर्थ समिती सभापती त्याच्याकडून आता या ठिकाणी मंदार दळवी आणि प्रजात हळदणकर यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय राजनजी साळी साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे। मंदार दळवी आणि प्रजात हळदणकर यांनी ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे। आशिष राडी यांनी या ठिकाणी यायचं आहे। त्यांचं या ठिकाणी नागरसाहेबांच्या हस्ते स्वागत होत आहे। अतिशय मेहनतीने त्यांनी या साऊंड सिस्टमचे नियोजन केलेलं आहे। धन्यवाद तुषार। आणि आमचे रमेशजी नवेकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांनी व्यासपीठात पुस्तक घ्यायचं आहे, व्यासपीठात यायचं आहे। त्यांनी आमचे साईसाहेबांचे पी ए राजापूर नार्वेकरजी यांचंही या ठिकाणी यशस्वी सन्मान करत आहेत। नागरसाहेब सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे। पुन्हा एकदा शिवसेना कोणसर बुद्ध मनपूर्वक आभारी आहोत। या स्पर्धेमध्ये तुम्ही तोला मोलाचं योगदान दिलेलं आहे। तू चलते मुकाबले की तरफ आज फाइनल मुकाबला चल रहा है। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद आई थी दोस्तों, 7 रन बने हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो अरे बड़ी गेंद रहेगी 25 से जीतने के लिए, और इस समय अपील किया गया था
और जरूर और उंगली आसमान के ऊपर की है और बल्लेबाज को उस समय बाहर जाना होगा। तो बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली है संजय द्वारा, एक सीनियर खिलाड़ी है बड़ी बात ही जानते हैं। और पहला ओवर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों आताच या ठिकाणी सामन्याचा कार्यक्रम पार पडलेला आहे। पुन्हा एकदा सर्व मान्यवर सर्व क्रीडा रसिक आणि क्रीडा प्रेमी यांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो आणि आजचा हा अंतिम सामना या ठिकाणी सुरू आहे, त्याचा आस्वाद सगळ्यांनी घ्यायचा आहे। रंगतदार असा हा अंतिम सामना या ठिकाणी आता सुरू होत आहे। मी आमचे सहकारी शेखर यांना विनंती करतो की त्यांनी फुल समालोचन करावं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जरूर मैच बहुत ही अच्छे होने की आशंका है, 7 रन बने हैं। पहले ओवर की खेल की समाप्ति पर 24 गेंदे हैं और जीतने के लिए चाहिए 20 रन की जरूरत है। और यशराज स्ट्राइक पर है, जरूर पिछले मुकाबले में देखा जाए तो मेरे दोस्तों फ्रेंड्स के लिए के अगेंस्ट दूसरे ओवर में 3 छक्के देते हुए मैच को फिनिश किया था। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय प्रथम ईशा से खेला है हवाई फायर, तारा मंडल बाउंड्री लाइन के बाहर या अंदर, जी हाँ डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन। देखिए यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा सा कब है जिसकी वजह से यहाँ पर डिक्लेयर जून ज्यादा दिखाएगा, लेकिन फिर भी सरना करने होगी यशराज की। इस यशराज ने 1 रन यहाँ पर जरूर मिला। उदयराज है जिनके बल्ले से लंबा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला, लेकिन वहां पर फ्लैग लगा है, उसके अंदर अगर गेंद खेलते तो 6 रन, उसके बाहर सिंगल रन, ऐसे यहाँ पर जो है प्रतियोगिता में नियम रखे गए। लेकिन यहाँ पर उदयराज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए और अपने नेचुरल स्टाइल में बल्लेबाजी करने के लिए उनको जाना जाता है। देखना होगा आने वाली गेंदों पर किस तरीके से खेल करते हैं। 8 रन बने हैं और अभी भी 19 रनों की जरूरत रहेगी, 27 रनों का पीछा करते हुए इस समय। इस बार भी जोर से खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, जी हाँ अब जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पिछली बार चूके यहाँ पर करते 22 गेंदे 3 रनों की अभी भी जरूरत है। और पता है कि ये भी मैच जल्द से जल्द फिनिश करना चाहते हैं। डुम्बिली बॉयज और जेसीसी वालावली के बीच में चलता हुआ ग्रैंड फिनाले मुकाबला और निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में दोनों भी टीमों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। लक्ष्म के काफी बाहर थी, वाइट प्लस वन, इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 रन 16 रन लॉस ऑफ 1 विकेट 11 रन दूर है और जल्द से जल्द मैच को फिनिश करने की कगार पर यहाँ पर रहते हुए टीम है। देखिए नक्कीच मित्रांनो, माणसाचं कर्तृत्व हे समुद्रासारखं असायला पाहिजे, नाही धरतीचा माज, नाही ती ओटी जिल्हा तरी अतंग, आणि असंच कर्तृत्व आदरणीय राजनजी साळवी साहेब यांचं आपण पाहता। म्हणूनच या ठिकाणी ते विराजमान आहेत आणि त्यांच्या कर्तृत्वाला खरंच सलाम असेल, ज्या पद्धतीचं कार्य ते समाजामध्ये करतात। याही वेळेला भिरकावून दिलं, सरळ जातो चेंडू सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी। बॅट मधून निघतोय खणखणीत दणदणीत षटकार, आणि मागील 2 सामन्यांमध्ये पाहायला गेलं तर मित्रांनो त्याच्या बॅट मधून 5 ते 6 षटकार पाहायला मिळाले आणि आपल्या नॅचरल शैलीमध्ये ही फलंदाजी तो दाखवतोय। 22 धावा धपफल कवर लागल्या गेल्यात आणि नक्कीच उर्वरित 5 धावा आपल्या एका वेगळ्या स्टाईल मध्ये फिनिश करेल। यस यस, उंचा आहे, ऊंचाई है, लंबाई है, उदयराज का बल्ला
संकल्पनेतून ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न झाली. सर्व क्रीडा रसिक आणि क्रीडा खेळाडू व्यासपीठात थोड्याच वेळात या ठिकाणी सन्माननीय आमदार राजनजी साळी साहेब यांचं या ठिकाणी मनोगत होईल. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी दोन शब्द एक मिनिट त्यानंतर थोडं प्रास्ताविक नागरसाहेबांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. प्रास्ताविक नागरसाहेबांनी करावं असं मी विनंती करतो. महाराष्ट्राचा आरभ्य छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे, आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय कैलासवासी जडियार गुरुजी, आजच्या या बक्षीस समारंभ कार्यक्रमासाठी उपस्थित आमचे मार्गदर्शक राजापूर लांजा मतदारसंघाचे आदरणीय आमदार राजनजी साळी साहेब, त्याचप्रमाणे उपस्थित आदरणीय प्रकाशजी कुळेकर साहेब, राजापूर शिवसेना तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख राजू कुळेकर, त्याचप्रमाणे आदरणीय सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर आणि सर्व क्रिकेट प्रेमी आणि जे आज मैदानावरती ज्यांनी आज आपलं आमचे सर्वांचं मार्गदर्शक जे आमच्या सदैव आमच्या पाठीशी राहिले, सतत आमच्या सोबत राहिले असं आदरणीय आमचे जडियार गुरुजी हे अचानकपणे आमच्या ह्याच्यातून आमच्यातून निघून गेले. नेहमीच त्यांच्याकडे वेगळं हे होतं की खेळाडू म्हटलं की कुठल्याही क्षेत्रातलं असू देत त्यांना सपोर्ट करायचा, त्यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे, त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे अशा भूमिकेने आमचे गुरुजी या पंचकोशीमध्ये सतत काम करत राहिले आणि त्यांच्यातून आम्ही बऱ्याच गोष्टी शिकत गेलो. आणि काही दिवसापूर्वी ते आमच्यातून निघून गेल्यानंतर त्यांच्या स्मृती जागवायला पाहिजेत या हेतूने आमच्या कोळसूर बुद्रुक ग्रामपंचायतील शिवसैनिक सर्व पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे युवा सेनेचे सर्व पदाधिकारी यांनी त्यांच्या स्मरणार्थ आज इथे हा भव्य ऑलराऊंड क्रिकेट स्पर्धेचं इथे आयोजन करण्यात आलं होतं. आजचा हा शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसातील आजचा हा शेवटचा सामना, फायनल सामना आज इथे पार पडलेला आहे. निश्चितपणे विजयी संघ, उपविजेता संघ आणि संघ इथे ज्या सर्व संघांनी इथे सहभाग दर्शवला त्या सर्वांचं मी स्वागत करत असताना अभिनंदन करतो. खूप चांगल्या पद्धतीने आपण आपला खेळ हा इथे खेळलेला आहात, सर्व कौशल्य आपलं दाखवलेलं आहात. आमच्या या स्पर्धेमागचा हेतू हाच होता की आम्ही नेहमीच साहेब या परिसरामध्ये या पंचक्रोशीमध्ये जिथे जिथे क्रिकेट स्पर्धाचे आयोजन आम्ही करतो या क्रिकेटच्या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये आम्ही बक्षिसं देत असतो आणि बक्षिसं देत असताना प्रत्येक मंडळ असेल किंवा क्रिकेटची टीम असेल यांना बक्षीस देऊन आम्ही त्यांना प्रोत्साहित करत असतो. पण यावेळी कोळसूर बुद्रुकच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एक चांगला निर्णय घेतला की आपण बक्षीस देण्यापेक्षा आपल्या परिसरातील सर्व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना त्यांचं कौशल्य त्यांच्या मैदानामध्ये क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये दाखवण्यासाठी आपणच कुठेतरी एक चांगली स्पर्धेचं आयोजन केलं पाहिजे आणि हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून आजची ही स्पर्धा इथे पार पडलेली आहे. आपण खूप चांगल्या पद्धतीने आपलं कौशल्य दाखवलं, सर्वांना धन्यवाद देतो. मैदानामध्ये खेळाडूवृत्ती दाखवला त्याबद्दल असा धन्यवाद देतो. अशाच पद्धतीने आपण मैदानामध्ये आपलं कौशल्य दाखवा, खेळाडूवृत्तीने आपण खेळा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आमचं जेवढं आम्हाला शक्य आहे त्या पद्धतीने आम्ही दरवर्षी अशा पद्धतीने आपल्या सर्वांना आपलं कौशल्य दाखवण्यासाठी अशा पद्धतीचे स्पर्धा आयोजन करण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्या पद्धतीने आदरणीय आमदार साहेब हेही याच पद्धतीने संपूर्ण मतदारसंघामध्ये काम करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजच्या ह्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आणि आज येथे सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये ते पार पडलेलं आहे. आपल्या सर्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आपल्या सर्वांना पुढे पुढच्या शुभेच्छा देण्यासाठी स्वतः आमदार साहेब येथे उपस्थित राहिले त्याबद्दल आमच्या कोळसूर बुद्रुक ग्रामपंचायतीच्या सर्व शिवसैनिक पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांचं मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आदरणीय तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख हेही इथे उपस्थित राहून आपल्या सर्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रोत्साहित करण्यासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत, त्यांचाही मी आभार मानतो. आपण सर्व टीमने ज्या पद्धतीने इथे आलात, सर्वांनी संघ दिलात, त्यामुळे चांगला खेळ केलात, त्यावर सर्वांना मी धन्यवाद देऊन थांबतो. जय जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नागरसाहेब. या ठिकाणी यानंतर माननीय आमदार राजनजी साळी साहेब यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करायची मी त्यांना विनंती करतो. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत शिव छत्रपती, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे,
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे, शिवसेनेचे युवा नेते राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदरणीय आदित्यजी ठाकरे, लोकसभा मतदारसंघाचे लाडके खासदार शिवसेना सचिव आदरणीय विनयजी राऊत, कोणसर बुद्रुक ग्रामपंचायत हद्दीमधले आमचे सर्व आमचे क्रीडा प्रेमी खेळाडू यांच्या वतीने भव्य दिव्य ओवरऑल क्रिकेट स्पर्धा आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे। आजचा हा शेवटचा दिवस अंतिम सामना इथे आपल्या समोर संपन्न झालेला आहे। अशा एका कार्यक्रम उपस्थित असलेले शिवसेनेचे तालुका प्रमुख प्रकाशजी कुळेकर, उपतालुका प्रमुख राजेंद्र कुळेकर, या विभागाचे जिल्हा परिषदचे सदस्य माजी सभापती तुमचं लाडकं नेतृत्व दीपकजी नागले, विभाग प्रमुख आमचे नरेश दुधवडकर, मनोज आडवलेकर उपस्थित असलेले सर्व ह्या मंडळाचे सन्माननीय पदाधिकारी अधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व मंडळाचे सर्व सन्माननीय मंडळी, ग्रामपंचायतचे सर्व विद्यमान पदाधिकारी आणि ज्यांनी या ठिकाणी विजय प्राप्त केला ते सर्व आमचे विजयी उपविजयी संघ, खास खेळासाठी आलेले मुंबईवासीय बंधूंनो व मित्र हो, कैलासवासी सदाश्री जडाळ गुरुजींच्या स्मरणार्थ आज या ठिकाणी आमच्या कोणसर बुद्रुकल्या सर्व आमच्या क्रीडाप्रेमींनी इथे ओव्हरऑल क्रिकेटचं आयोजन केलं। गेले चार दिवस या ठिकाणी ह्या स्पर्धा संपन्न आहेत। जवळजवळ 32 संघांनी ह्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आणि आज या ठिकाणी अंतिम सामना तुमच्या आमच्यासमोर उपस्थित आम्हाला पाहायला मिळालेला आहे। आपल्या नम्रपणे एवढंच सांगेन की जडाळ गुरुजींचं जन्मगाव राजापूर तालुक्यामध्ये हर्डी या ठिकाणी आहे, परंतु नोकरीनिमित्त या भागामध्ये आले, शिक्षक म्हणून आले, परंतु इथल्या परिसरातला असलेल्या सर्व आमच्या इथल्या ग्रामस्थांना आपलंसं करून घेतलं। ते करत असताना नोकरी केलीच, पण नोकरीबरोबर सुद्धा इथल्या असलेल्या सर्व आमच्या स्थानिक मंडळींच्या माध्यमातून असलेला क्रिकेट आणि अन्य सर्व खेळाडूंना संधीचा पावण्या प्रयत्न केला आणि त्याच पद्धतीने या ठिकाणी सुद्धा दुर्दैवाने त्यांना आयुष्य कमी लाभलं आणि मग त्यांच्या स्मरणार्थ कोणसर बुद्रुकला आमच्या सर्व ग्रामस्थांनी निर्णय घेतला की गुरुजींच्या कुठेतरी आठवणी राहिल्या पाहिजे, स्मृती राहिल्या पाहिजे, त्यांनी ज्या खेळासाठी सतत त्या लोकांच्या पाठीशी राहिले त्यांना आपण सहकार्य केलं पाहिजे, ही त्यांची भूमिका त्या त्यावेळेला होती आणि मग त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी या सर्व आमच्या मंडळीने या ठिकाणी क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलं। दीपकने सांगितलं की आत्तापर्यंत ही सर्व मंडळी अनेक मंडळींना मदत करत असतात, पण आपणच समजा आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी क्रिकेट स्पर्धा घेतल्या तर निश्चितपणे एक चांगलं त्याचा आदर्श तसं क्रिकेट स्पर्धा निर्माण होतील अशी यांची अपेक्षा होती। त्या पद्धतीने आज या ठिकाणी चार दिवस आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये त्या स्पर्धेचं आयोजन केलं। आजचा अंतिम दिवस आहे आणि आज या ठिकाणी पाहायला मिळालं इथं डोंबिवलीतले आमचे सर्व स्थानिक इथले व मुंबईवासीय आणि या ठिकाणी आमचे भालावलीतली सर्व मंडळी यांनी या ठिकाणी भाग घेतला। अंतिम सामन्यामध्ये त्यांनी या ठिकाणी भालावलीने विजय प्राप्त केलेला आहे। मी नम्रपणे हा सर्व मंडळींना धन्यवाद देईन, कारण बरेचदा आपण पाहतो की हल्ली कमी जागेमध्ये कमी वेळेमध्ये अंडरआर्म स्पर्धा खेळल्या जातात आणि ओव्हरऑल स्पर्धाच्या खऱ्या अर्थाने क्रिकेट म्हणून संपूर्ण जगाला जो माहिती आहे त्याचा विसर पडलेला आहे आणि मग ह्या परिस्थितीमध्ये इथल्या आपल्या मंडळाच्या आयोजकांनी सुद्धा चांगल्या तऱ्हेचं आयोजन केलं, नियोजन केलं, चांगल्या तऱ्हेच्या ठिकाणी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केलं आणि त्यांच्या माध्यमातून संपन्न झालेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी चांगल्या तऱ्हेचा विजय प्राप्त मिळवताना निश्चितपणे आम्हाला आनंद आहे। भविष्यातल्या कालखंडामध्ये आत्ता या ठिकाणी जे खेळाडू आहेत त्यांच्या माध्यमातून एखादा चांगला बॅट्समन, एखादा विकेटकीपर, एखादा बॉलर निर्माण होण्यासाठी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी आमचे जे विजय संघ आहेत उपविजय संघ दोघांचे हार्दिक अभिनंदन करतो। आज या ठिकाणी आता एकच संदेश घेऊन जायचा आहे, पुढच्या वर्षी सुद्धा स्पर्धेचं आयोजन केलं जाणार आहे, त्या स्पर्धेच्या अनुषंगाने सुद्धा आम्हाला जी काय मदत असेल ती मदत आम्ही करू अभिनंदन देतो, आपण शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी आमच्या सरदारने
चांगल्या तऱ्हेचं कॉमेंट्री सांगून तुमचं आमचं मनोरंजन केलंय, त्यांना धन्यवाद देतो, शुभेच्छा देतो, तूर्त थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सो मच. नक्कीच खूप चांगलं मनोगत व्यक्त केलंय. आणि माहितीसाठी तुम्हाला सांगतोय, फक्त व्यासपीठावरती आम्ही भेटलेलो नाही, 20-25 वर्षापूर्वीची आमची ओळख आहे. आणि कर्तृत्व कशा प्रकारे असावं हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर राजनजीत साळवी साहेब यांचं नाव निश्चितच आवर्जून घेतलं जाईल. नक्कीच जास्त वेळ न घेता मी प्राईज सेरेमनीकडे वळतोय. त्यांना लांजा येथे जायचं आहे, बडी मोठी स्पर्धा आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातील, आणि त्या स्पर्धेमध्ये देखील अंतिम रजनीमध्ये माझा आवाज तुम्ही ऐकाल. नक्कीच साळवी साहेबांनी सांगितलं आहे की अंतिम सामन्यामध्ये तू देखील समालोचन करण्यासाठी यायचं आहे. थँक्यू सो मच सर. तर जास्त वेळ न घेता प्राईज सेरेमनीकडे वळतोय. इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बैट्समैन को अधिकतम अब बैटर, ये नया वर्ड आया आपको पता होगा, तो हम बैट्समैन यहां पर कहेंगे, जिसने जबरदस्त बल्लेबाजी की और राज किया इस पिच के ऊपर. जेसीसी बालावली का उदय राज इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज. और ये ट्रॉफी देने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा उपतालुका प्रमुख राजूजी कुलेकर साहेब यांचे शुभ हस्ते. ही ट्रॉफी देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येतो. जोरदार तालिया बजली जय उदयराज के लिए. उदयराज सवाल तो बहुत थे मेरे मन में, लेकिन साळवी साहब इनको जाना है इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट में आपको जरूर पकड़ने की कोशिश करूंगा, अब मैं आपको छोड़ूंगा. लेकिन उदयराज के लिए जोरदार तालिया बजली जय दोस्तों. और सच में देखिए बल्लेबाज जिसको रोकने का काम करता है वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज होता है, जो बल्लेबाज के माइंड को पढ़ते हुए सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करता है. इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बना है वन एंड ओनली, क्या सन्नाटा है, डोंबिवली बॉयज का प्रथमेश बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट. आदरणीय प्रभाकर जी वाडकर साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी देऊन त्यांना सन्मानित करायचा आहे. प्रभाकर जी वाडकर सर इनके शुभ हाथों से ट्रॉफी देकर नवाजा जा रहा है प्रथमेश के लिए. सर मैं बताना चाहूंगा हर एक मैच में इस प्रथमेश ने दमदार गेंदबाजी की है, और मुझे लगता है गेंदबाजी के बलबूते ही डोंबिवली टीम ने इस ग्रैंड फिनाले में जगह बना ली है. वेल प्लेड दोस्त. नक्कीच तुम्ही मुंबईमध्ये जरी गेला असलात तरी देखील या स्पर्धेची चर्चा होणार, व्हिडिओ पाहिला जाणार, त्याचबरोबर माझं समालोचन देखील तुमच्यापर्यंत पोहोचणार. थँक्यू सो मच. खूप चांगला खेळ केला मित्रांनो. बॅट्समन कोण है, बॉलर कोण है, ये आपको पता है. विनर कोण है, रनर अप कोण है, ये भी आपको पता है. लेकिन ये दो ट्रॉफियों के बाद सर सबसे ज्यादा नजरी होती है मैन ऑफ द सीरीज मालिकावीर. मालिकावीर असा मानकरी कोण ठरला. दीपक जी नागले साहब यांचे शुभ हस्ते ही ट्रॉफी देण्यात येणार आहे. और इस प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज का हकदार बनाए. देखिए सीरीज को मैं नाम देता हूं मेरे लैंग्वेज में पर्सनली झिंडूबाम खिलाड़ी. देखिए झिंडूबाम तीन काम करता है, सरदर्द बदनदर और जुकाम से आराम देता है. और सीरीज के हकदार बनने वाला खिलाड़ी भी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग करता है, जिसकी वजह से मैं झिंडूबाम खिलाड़ी का नाम देता हूं. तो इस प्रतियोगिता का झिंडूबाम खिलाड़ी है, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार है वन एंड ओनली. इस पिच के लिए सबसे दमदार सीमेंट है एसीसी, और इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने बालावली जेसीसी के निवृत्ति मैन ऑफ द सीरीज फिरकी का जादूगर दीपक जी नागले साहब इनकी शुभ हाथों से ट्रॉफी देकर उनको नवाजा जाएगा. जरूर निवृत्ति के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों. फिरकी के जाले में बड़े बड़े सितारियों को पिच के ऊपर रोकने के लिए मजबूर किया इस खिलाड़ी ने. निवृत्ती तुला पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा मित्र. नक्कीच तू वेळोवेळी आपल्या संघाला अशीच कामगिरी करत अंतिम फेरीमध्ये पोहोचवत राहू. थँक्यू सो मच तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. और जरूर इस प्रतियोगिता में रनर अप राशि है 13,000 और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी इस रनर अप की ट्रॉफी के विनर है डोंबिवली बॉयज. वेलकम भाई है उपतालुका प्रमुख तालुका प्रमुख प्रकाश जी कुलेकर साहब इनकी शुभ हाथों से 13,000 रुपए की धनराशि और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा. जरूर जोरदार तालियां बजनी चाहिए डोंबिवली बॉयज. इतना लंबा सफर तय करके
दोस्तों ये हुई ना बात। प्रतियोगिता की रौनक और ज्यादा बढ़ाई है और निश्चित रूप से प्रतियोगिता यही पर समाप्त हुई है, इसमें घोषणा करता हूँ। थैंक।